थ्री पेपर्स को सॉल्व कर लिया है और साथ ही साथ में हमने सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लिया है तो बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं और इन बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस भी उतनी ही सॉलिड उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए मैग्नेट ब्रिंस आपके लिए लेकर आया है सैंपल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या हैं आपके सी बी एस ई पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पूरे सिलेबस में से उससे एक पेपर बना रहे हैं आपके लिए और फिर उसको आपको प्रोवाइड करते हैं दैन उसको सॉल्व करवाते हैं सो so, इस पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू मिल जाएगा मतलब पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा इस पेपर का तो आप चाहो तो इसे लेक्चर के पहले सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन देख सकते हो और चाहो तो पहले पूरा सॉल्यूशन देख लो फिर अपने लेवल पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो टाइमर लगा के थ्री आवर्स का so, सो स्टार्ट करते हैं हमारे मैग्नेट बिन सैम्पल पेपर सोल्यूशन पेपर नंबर फोर को और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आ सकता है uh, कहां से कौन से क्वेश्चन स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेट जो है वो आपके लिए मैग्नेट बुक्स एंड ई बुक्स लेकर आया है जैसे कि अब तक आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते हुए आ रहे हो पढ़ते पढ़ते क्लास ट्वेल्थ में आ गए हो आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं साथ ही साथ में मैग्नेट बेन्स के बुक्स हैं जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट है रिच अपने कंटेंट में Uh, ये बुक्स हैं और बुक्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीआर टी सोल्यूशंस एम सी क्यू बुक्स थ्योरी बुक्स एंड मैनी अदर तो बुक्स आपको हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगी और आपको अगर ई e बुक चाहिए तो वो भी मिल जाएगी अगर आपको बुक्स चाहिए हैं तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसको फिल करना है और फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस सो लेट्स स्टार्ट आर सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जैसे कि आप जानते हो कि जो आपका पेपर है वो कितने आवर्स का होगा थ्री आवर्स का एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को आंसर करना है सेवनटी मार्क्स आपको मिलेंगे एक बार बहुत ही जल्दी से मैं आपको गेम के सारे रूल बता देती हूँ मतलब पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो बता देती हूँ so, देखो सभी क्वेश्चन सबसे पहली बात कंपलसरी हैं दूसरी बात थर्टी सिक्स क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं उन क्वेश्चन को हमने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है जैसे आपका जो सेक्शन ए है उसमें और, और साथ ही साथ में असरशन रीजन बेस्ड भी होंगे तो थ्री एमसीक्यूजन रीजन बेस्ड मिलेंगे आपको एंड फिफ्टीन आपको एमसीक्यूज डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी थ्री सेक्शन बी में है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको हर एक आंसर के लिए टू मार्क्स मिलेगा टोटल फाइव क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है फॉर टू मार्क्स ईच एंड वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्ससीड 30 वर्ड्स आंसर कैसे करना है 30 वर्ड्स के अंदर रह के देन यू हैव सेक्शन सी जहाँ पर क्वेश्चंस हैं 24 से लेके 27 तक यहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे मार्क्स पर क्वेश्चन इज 3 ओके

फोर मार्क्स ईच हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के मार्क्स एंड वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 120 words. 120 वर्ड्स वर्ड्स से आपसे e, अच्छा आप पूछा जा रहा है, 32. ये 2 है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मिलेंगे सिक्स मार्क्स ओके और आपको इसको 200 वर्ड्स में आंसर करना है लास्ट इज योर सेक्शन एफ जहाँ पे फोर क्वेश्चन हैं 33 से लेके 36 तक यहाँ पर दो केस स्टडीज होंगी हम केसेस को स्टडी करेंगे उसके बेसिस पर हमसे टू टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब केस वन जो होगा उसमें से क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 पूछेंगे और जो केस टू है उसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 होंगे ओके okay, और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे टू मार्क्स एंड वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीडी वर्ड्स क्लियर है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है तो जिन स्टूडेंट्स को यह चीज पहले नहीं पता थी उनको मैंने वापस से रिपीट करके समझा दिया कि यह एग्जाम का पैटर्न है इसी पैटर्न पर आपको यहां भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे सैंपल पेपर में और आपके एग्जाम में भी ओके सो बी रेडी अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न ऑफ योर एग्जाम लेट्स मूव ऑन टू आर सेक्शन ए ओके, सो अब सेक्शन ए में एटीन पहले एमसीक्यूज को देखते हैं सबको आंसर करते हैं एंड ओपिनियन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर देन दैट ऑफ हिज चाइल्ड इज रिफर टू एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड डैश मान लो आपके पापा कार लेने के लिए जाते हैं ठीक है और आप भी उनके साथ में जाते हो ठीक है कार परचेस करने आप लोग जा रहे हो तो शोरूम में जाके जो आपके पापा हैं वो जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है उसकी बात से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे मान लो एक ए कार है एक बी कार है आप बोल रहे हो कि पापा ए कार ले लो लेकिन आपके पापा बोल रहे हैं नहीं मुझे तो बी कार लेनी है क्योंकि जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है उसने बोला है कि बी कार आपको लेनी चाहिए ठीक है उसमें ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं ये वो जो भी उसने बता दिया तो आपके पापा जो है वो उस ऑटोमोबाइल इंजीनियर की बात से इन्फ्लुएंस हो गए हैं और आपकी बात को उन्होंने नहीं सुना है या मतलब, किस एक एटीट्यूड के सोर्स की बात हो रही है जो आपके बिहेवियर को या आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर रहा है ठीक है एक बायर है मतलब फैक्ट की जो कार बायर है जो भी पर्सन है वो अपने बेटे से अपने बच्चे से ना इन्फ्लुएंस होके बल्कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं तो ये किस एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन से एक एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है क्लियर ना यू हैव ऑप्शंस क्रेडिटबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस इमोशनल एंड रेशनल अपील फियर अपील एंड क्रेडिटबिलिटी सेंट्रालिटी एंड इंटेंसिटी देखो सेंट्रलिटी एंड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वो उसकी बात से ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक सेंट्रल फीचर या इंटेंसिटी की बात हो रही है थर्ड ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो बायर है उसको डर लग गया कि अगर वो इंजीनियर की बात नहीं मानेगा तो हो सकता है उसको कोई थ्रेट मिल जाए ठीक है ऑप्शन बी है इमोशनल या रेशनल अपील uh, वो उस के बाद से जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुंसड हो गए हैं क्योंकि उसने बड़े मतलब उनको ऐसा लगा कि अरे अगर मैं इसकी बताई हुई कार ले लूँगा तो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ऐसा कुछ इमोशनल या रेशनल अपील हो गई है इमोशनल फैक्ट मैंने आपको बताया क्रेडिटबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस वो अट्रैक्ट हो गए हैं उस कार से और साथ ही साथ में मतलब उनको क्रेडिटबिलिटी का फीचर भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है ठीक है मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वरना आप आंसर ही बता दोगे मतलब आंसर तो आप ही को बताना है बट आपको आंसर पता चल जाएगा अगर किसी को नहीं पता है तो अब आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है आपको मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अभी लेट मी नो वट इज द करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन में जल्दी से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी सी और डी ये आंसर इज ऑप्शन क्रेडिटेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस इस एक चीज के अंदर देखो ना ही कोई इमोशनल फीचर है ना ही कोई फियर वाली चीज है ना ही कोई इंटेंसिटी वाली है द ओनली थिंग इज क्रेडिटेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस पहली चीज कि अगर वो उस शोरूम में है या फिर वो ऑटोमोबाइल तो इंजीनियर है तो ऑब्वियसली उसको उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा और दूसरी चीज वो उसके बताए हुए बात से उसके ओपिनियन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो जाते हैं मे बी उनको कार पसंद भी आ जाती है क्लियर सो द फैक्ट हेयर इज क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस नीदर इमोशनल नॉर फियर नॉर इंटेंसिटी और सेंट्रालिटी क्लियर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू सिजोफ्रेनिया इज लिंक्ड विद द एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ दी न्यूरो ट्रांसमिटर कॉल्ट ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो सिज़ोफ्रेनिया होता है वो जब उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर की एक्सेसिव एक्टिविटी होने लग जाती है एक्सेसिव एक्टिविटी सिज़ोफ्रेनिया में होने लग जाती है तो उसे क्या कहा जाता है एंड द ऑप्शन आर डोपामाइन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन एड्रेन ठीक है डोपामाइन सीरोक्टोसिन या एड्रीन

स्ट्रेस मतलब ये जो तीनों हैं बाकी के ये लव डिस्ट्रेस या स्ट्रेस से रिलेटेड हैं सो द करेक्ट आंसर इज ओनली डोपामाइन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन एंगजाइटी प्रवोकिंग बिहेवियर्स और थाट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस इट इज नोन एज डैश जब कोई एंग्जाइटी प्रवोकिंग बिहेवियर या थाट्स आपके माइंड में आ रहे हैं और उसको अनकॉन्शियस जो है वो पूरी तरह से डिसमिस कर देता है ठीक है मतलब जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको पूरी तरह से डिसमिस कर देता है इस तरह के एक मतलब इस तरह को क्या बोलेंगे ऐसी एक चीज़ को क्या बोलेंगे ठीक है डिनाइल रिप्रेशन रिएक्शन फॉर्मेशन या इंटे इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होगा करेक्ट आंसर पे बताओ जैसे मान लो आपको आपको कोई ऐसा ऐसा बिहेवियर मतलब आपके अंदर से ऐसा कि आपको बहुत गुस्सा आ रही है और कहीं ना कहीं आप उस गुस्से को जो है नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए सो दैट इज काइंड ऑफ डिनाइल रिप्रेशन रिएक्शन फॉर्मेशन या इंटेलेक्चुअलाइजेशन एंड द करेक्ट आंसर इज येस ऑप्शन बी रिप्रेशन आप क्या कर रहे हो आप रिप्रेस कर रहे हो ठीक है जो चीज हो सकती है आप उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन चिल्ड्रन एग्जिबिट डोमिनेटिंग बिहेवियर एंड बुली अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन इट इज़ रिफर्ड टू एज डैश जब बच्चों के अंदर हमको डोमिनेटिंग बिहेवियर देखने को मिल जाता है और वो दूसरों को बुली करने लग जाते हैं बिना प्रोवोकेशन के तो इसे क्या बोलेंगे ठीक है क्वेश्चन समझ में आया लेट्स सी द हॉस्टाइल एग्रेशन फिजिकल एग्रेशन एग्रेशन या वायलेंट बिहेवियर क्या बोलेंगे इसको बताओ जल्दी से जब चिल्ड्रन जो है वो कुछ ऐसे बिहेवियर शो करने लग जाते हैं लाइक डोमिनेटिंग वन और बुली करने लग जाते हैं दूसरों को बिना किसी प्रोवोकेशन के एंड आंसर इज यस ऑप्शन सी दैट इज प्रो एक्टिव एग्रेशन इस तरह की अगर चीज होती है तो हम उसको बोलते हैं प्रो एक्टिव एग्रेशन चलो अब इसका आंसर बताओ इन साइको डायनेमिक थेरेपी वट कम्प्राइज इज द सेकेंड स्टेज जो साइको डायनेमिक थ्योरी होती है उसमें सेकेंड स्टेज पर क्या आता है आपने साइको डायनेमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है ओके लेट मी टेल यू दप्शंस थेरापिटिक रिलेशनशिप ट्रांसफरेंस टर्मिनेशन या ऑल ऑफ दी अबव साइको डायनेमिक थेरेपी में सेकेंड स्टेज कौन सी होती है ये आपको बताना है एंड द आंसर इज ऑप्शन ट इज ट्रांसफरेंस क्योंकि बाद में ट्रांसफरेंस होगा पहले जो है थेरापेटिक अलाइंस वगैरह क्रिएट होंगे और पहले तो जो है इंट्रोडक्शन ये सारी चीजें होंगी ऑल ऑफ द अब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेकेंड स्टेज के बारे में पूछा है क्लियर सो आंसर इज बी दैट इज ट्रांसफरेंस ओके लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेन अ चाइल्ड लर्नस टू ऑफर स्वीट्स और मनी एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड थिंग्स it is expected of him or her to do so as well we can say that this attitude has been learned by him or her through आप मुझे ये बताओ जैसे कोई एक छोटा बच्चा है वो uh, मतलब इस एक चीज को सीख जाता है कि जो भी जैसे किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में वो गया है किसी मंदिर वगैरह में गया है मस्जिद में गया है गुरुद्वारे में गया है तो ये चीज़ वो देखता है कि उसको दूसरों को जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको मनी देना है उनको स्वीट्स ऑफर करने हैं और उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज़ उसने सीख ली कि ऐसा होता है और साथ ही साथ में उसको ये भी फील होने लग गया है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए ठीक है मतलब जैसे ये लोग कर रहे हैं वो तो वो सीख गया है लेकिन मुझे भी ऐसा करना चाहिए ये एक थॉट उसके मन में आ गया है इस तरह का जो एटीट्यूड है वो उसकी लर्निंग उसको कैसे हुई है या किस एक चीज के थ्रू हुई है ओके एंड द आर लर्निंग थ्रू एसोसिएशन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्रू कल्चरल नॉर्म्स और लर्निंग थ्रू मीडिया इन्फ्लुएंसेस क्लियर गेटिंग माई पॉइंट देखो कैसे ये लर्निंग उसको हुई है क्या एसोसिएशन की वजह से हुई है क्या उसने ऑब्जर्व किया है क्या उसे कल्चरल नॉर्म्स समझ में आ गए हैं या फिर मीडिया इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हुआ है एंड द आंसर हेयर इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी दैट इज कल्चरल नॉर्म्स जिसको भी ये लग रहा था ना दैट इज टोटली रॉन्ग क्योंकि देखो उसने ये एक तरीके के कल्चरल लर्निंग उसके अंदर हुई है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर होता तो फिर एग्जाम्पल में वो चीज़ कहीं दिखता कि मतलब वो कहीं दिखता कि उसने अपने पेरेंट्स को देखा या उसने किसी को देखा दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द कल्चर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ठीक है तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज कल्चरल नॉम्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग आर दी दोटिव ऑफ थेरेपी आप मुझे बताओ कि थेरेपी का मोटिव क्या होता है थेरेपी क्यों लोगों को प्रोवाइड की जाती है ऑप्शन सुनो पहले ये पॉइंट्स हैं आपको इनको सुनना है ठीक है ये वन टू थ्री फोर और फिर ऑप्शंस हैं आपके ए बी सी डी करेक्ट आंसर आपको इसमें से बताना है क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं है ठीक है और इनमें से आपको सिलेक्ट करना है ठीक है तो अब मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन बता रही हूँ कि थेरेपी क्यों की जाती है री इन्फोर्सिंग क्लाइंट्स रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट हम चाहते हैं कि क्लाइंट जो है वो एक बेटर लाइफ जिए इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस को हमको बढ़ाना है कि लोग अपने बारे में जानें बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस चॉइसेस इन लाइफ आपकी क्या चॉइसेस हैं इस एक चीज को लेकर आप अवेयर रहो हेल्पिंग क्लाइंट टू जज अदर्स हमेशा क्लाइंट्स को आपको हेल्प करनी है इस थेरेपी के थ्रू ताकि वो दूसरों को जज कर सके नाउ यू हैव द ऑप्शंस जिसमें से आपको सही या गलत बताना है ओके ऑप्शन ए 1 2 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शन बी वन थ्री एंड फोर आर करेक्ट ऑप्शन सी वन टू एंड थ्री आर करेक्ट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव ठीक है आप ध्यान से एक बार इसको रीड करो मैंने आपको बता दिया एक बार आप रीड करोगे तो आप करेक्ट आंसर मुझे बता पाओगे थेरेपी क्यों प्रोवाइड की जाती है एंड यस द आंसर इज ऑप्शन ऑब्वियसली सी दैट इज वन टू एंड थ्री ये तीनों सही हैं बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि कभी भी थेरेपी के थ्रू हम जज करना थोड़ी ना सिखाते हैं किसी को आर जस्ट कि उसकी लाइफ में बेटरमेंट हो वो सेल्फ अवेयर हो और साथ ही साथ में अपनी चॉइसिस को लेके भी अवेयर रहे क्लियर सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर एट द टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू एग्री विथ क्वेश्चन mentioned in the test irrespective of their nature is referred to as एक टेंडेंसी होती है सब्जेक्ट की सब्जेक्ट इन द सेंस जो भी जिसके ऊपर भी टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं या जो भी पर्सन हमारे साथ में है उसकी ये जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ऐसे सब्जेक्ट की नहीं बट जो सब्जेक्ट हमारे ऊपर है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं या जो भी हमारा क्लाइंट है एक तो एक टेंडेंसी होती है सब्जेक्ट की कि वो एग्री कर जाता है टेस्ट में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके साथ में इर ऑफ देयर नेचर मतलब कि क्वेश्चन किस नेचर का है या क्वेश्चन क्या है ये चीज़ों को बिना सोचे समझे जो सब्जेक्ट है वो उन क्वेश्चन से एग्री कर जाता है और हर चीज़ में हाँ बोलता है एक एग्जाम्पल ठीक है हिंट दे दिया मैंने आपको इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं इस तरह की अगर चीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन एग्रीएबलनेस ओपननेस टू एक्सपीरियंसिसक्विंस या कंशाइनशियसनेस या और कॉन्शियसनेस क्या बोलेंगे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं ना ठीक है तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है एंड दी आंसर जल्दी 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 से सोचो ज्यादा टाइम नहीं है मैं आराम से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए पर आप मुझे आंसर जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में एंड द करेक्ट आंसर है ऐसी टेंडेंसी होती है जहां पे जो भी सब्जेक्ट है वो हर एक चीज में एग्री कर जाता है हर एक चीज में हाँ बोल देता है और क्वेश्चन का नेचर क्या है क्वेश्चन कैसा है बिना इसके बारे में सोचे क्लियर सो so, इस तरह की चीज को हम बोलते हैं बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं ओके Next question. Gifted children are also high on intrinsic motivation. This statement is. जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं गिफ्टेड इन द सेंस ऐसा नहीं कि उनको किसी ने गिफ्ट किया है कि गिफ्टेड uh, का मतलब आप समझ रहे हो गिफ्टेड इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर हो रही है ठीक है तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर इंटरेंसिक मोटिवेशन भी बहुत हाई होती है इंट्रेंसिक मोटिवेशन मतलब कि उनके अंदर से वो अपने आप को बहुत मोटिवेटेड फील करवाते हैं ये जो स्टेटमेंट है आपको मुझे बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है दैट मीन्स इज इट ट्रू इज इट फॉल्स कांट से जरूरी नहीं है मतलब कि हर बार ही जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो उनकी इंटेंसिक मोटिवेशन हाई हो एंड लास्ट इन सफिशियंट इंफॉर्मेशन सो या तो मतलब इस स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन सही नहीं दी गई है ओके okay? सो so, अब आप मुझे बताओ कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी इंट्रेंसिक मोटिवेशन में भी हाई होते हैं ये सही होगा या ये गलत होगा कांट से और इन इंफॉर्मेशन एंड एज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज ट्रू क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब यहां पर क्या है इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड गिफ्टेड का मतलब क्या है यहां पर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड अब इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हैं तो ऑब्वियस है कि उनका आईक्यू जो है वो हंड्रेड से ज्यादा होगा एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं कि कोई दस साल का बच्चा है ठीक है और उसका माइंड चल रहा है बारह साल के बच्चे के अकॉर्डिंग मतलब टेन ईयर्स ओल्ड है बट वो उसकी जो थिंकिंग वगैरह है वो ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड के अकॉर्डिंग हो गई है तो आईक्यू के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा आपका 120 ट्वेंटी दैट मीन्स कि 100 से 20 ज्यादा उसका आईक्यू उसका इंटेलिजेंट लेवल जो है वो वर्क कर रहा है तो अब वो इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियस है कि मतलब उसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी कॉन्ग्नेटिव नॉन कॉगनेटिव एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड मोर एवरीथिंग तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका इंटेंसिक मोटिवेशन भी मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि हाई ही होता है वो अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखते हैं क्लियर ओके लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके इन रेशनल इमोटिव थेरेपी दैट इज आर ई टी रेशनल इमोटिव थ्योरी थेरेपी ए बी सी एनालिसिस रेफर्स टू डैश बिलीफ एनालिसिस जो रेशनल इमोटिव थ्योरी होती है उसमें एक ए बी सी एनालिसिस होता है ना तो यहाँ पर डैश बिलीफ एनालिसिस तो आपको बताना है कि ए एनालिसिस क्या है इसमें आपको ए बताना है क्योंकि देखो बी का बिलीफ यहां पे लिखा हुआ है और सी से भी नो इट इज कॉन्सिक्वेंस सो ए से क्या होगा ये आपको मुझे बताना है एंड आर एक्शन एंटीसीडेंट बी और सी लिख देती हूँ आप और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे ठीक है आपको बताना है ए से क्या होगा बी इज फॉर बिलीफ एंड सी इज फॉर कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस

नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो हेयर कम्स योर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके फेवरेट तो असर्शन और रीजन में जस्ट दो स्टेटमेंट्स होते हैं एक असर्शन होगा एक रीज़न होगा और हर एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं आपको असर्शन और रीजन को पढ़ के ये पता लगाना होता है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं दैट मीन्स ट्रू हैं या इनमें से कोई भी फॉल्स है अगर आपको लगता है इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी या ऑप्शन डी अगर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो आपको देखना है क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनी हुई है क्या जो रीजन है वो एक्चुअल में असर्शन का रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप है अगर है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अगर नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अब एक क्वेश्चन मैं करके आपको बता रही हूं आगे के क्वेश्चन आप करेंगे असर्शन सेज इज अ ड्रॉबैक ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स एक्यूसेंस जो है वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट का एक ड्रॉबैक है मतलब एक डिसएडवांटेज है रीजन एकोसेंस रिफर्स टू टिकिंग द सेम ऑप्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एक्सेसेंस जो है इसका मतलब होता है कि आप एक ही ऑप्शन को टिक करते जा रहे हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट क्या है उससे दैट मींस यू आर जस्ट स्टिकिंग ऑन अ वन आंसर क्लियर रीजन समझ में आया Assertion समझ में आया अब आपको देखना क्या इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट फॉल्स है या सही है मैं ऑप्शन रीड करके बताती हूँ ऑप्शन एनोथ रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्शन बी बोथ असर रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दट इज असर ऑप्शन सी असरशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ऑप्शन डी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू क्लियर अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दे रही हूं आगे क्या आप करना बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कैसे देखो एक्सेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी आपका थेरेपिस्ट है या जो भी है आप उसकी हर एक बात को एग्री कर जाते हो इेस्पेक्टिव की जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका क्या नेचर है जैसे मान लो मैं आपसे कोई भी चीज पूछूं और आप उसमें हर एक चीज में मेरे साथ में एग्री कर जाओ ठीक है कोई भी चीज़ हो आपको जाननी नहीं है कि मैं क्या पूछ रही हूँ किस कंटेक्स में पूछ रही हूँ यू आर लाइक कि हाँ ओके आई मै एवरी मतलब मैं हर एक चीज में आपके साथ में ओके okay हूं ठीक है आप मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर येस में दोगे क्लियर सो so, पहली चीज़ तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि और ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि देखो एक्यूसेंस को यूज किया जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह में साइकोमेट्रिक टेस्ट या साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स वगैरह जब हम करते हैं तो हम पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उसके क्या थॉट्स हैं इन चीजों को जानना चाहते हैं बट एक्यूसेसिस एक्यूसेंस में क्या हो रहा है इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है ठीक है क्योंकि पर्सन अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स नहीं बता रहा बल्कि आपके साथ में एग्री कर जा रहा है तो इसलिए ये ड्रॉबैक है साइकोमेट्रिक असेसमेंट का दूसरी चीज एक्सेंस में जो भी यहां पर हमारे पास में सब्जेक्ट है वो हमेशा एक ही ऑप्शन को टिक करेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या स्टेटमेंट दिया है क्या पूछा जा रहा है क्या नेचर है क्वेश्चन का तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है क्योंकि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्सेंस ड्रॉबैक है साइकोमेट्रिक असेसमेंट का और रीजन ये बता दे रहा है कि वो ड्रॉबैक है तो क्यों है क्लियर इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज बोथ असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन क्लियर आया समझ में कैसे क्वेश्चंस आंसर करना है अब आगे जब assertion reason based आएंगे तो आपको इसी तरह से उसको आंसर करना है अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे समंथा इज अ फिफ्टीन ईयर ओल्ड गर्ल विद एन आई क्यू ऑफ 67 समंथा एक पंद्रह साल की बच्ची है उसका आई क्यू सिक्सटी सेवन है आई क्यू उसका सिक्सटी सेवन है तो आप समझ ही गए होंगे शी हैज़ बिगिन फेसिंग प्रॉब्लम्स इन सेल्फ केयर एवर सिंस शी मेट विथ अ रोड एक्सीडेंट एक दिन उसका एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो अपनी केयर करने में सेल्फ केयर में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं ठीक है पंद्रह साल की लड़की है सिक्सटी सेवन आई क्यू है एक बार एक रोड एक्सीडेंट हो गया तो अब खुद का ध्यान रखना खुद की केयर करने में उसको बड़ी दिक्कतें आती हैं

ऑप्शन डी इट इज माइल्ड मेंटल गिफ्टेडनेस पहले तो या तो ये मेंटल रिटार्डेशन है या तो ये मेंटल गिफ्टेडनेस है और अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो या तो प्रोफाउंड लेवल का है या तो माइल्ड लेवल का है अगर मेंटल गिफ्टेडनेस है तो या तो प्रोफाउंड लेवल का है या तो माइल्ड लेवल का है आपको मुझे बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है क्लियर एंड द आंसर हेयर इज ऑप्शन जल्दी बताओ ए बी सी या डी एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन यस ऑप्शन बी दैट इज इट इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन देखो मेंटल गिफ्टेडनेस तो होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा हमने आईक्यू का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आईक्यू का फॉर्मूला क्या कहता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100 अब यहां पर इसकी मेंटल एज कितनी है 15 ओके okay? तो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होनी चाहिए ऑबियस है कि मतलब 15 ही हो या 15 से कम हो मान के चलते 15 ही सॉरी इसकी क्रोनोलॉजिकल एज 15 है ओके सॉरी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 15 है और मेंटल एज जो है वो हमको पता लगानी नहीं आई बता दिया 67 है ठीक है अब यहाँ पर आई क्यू से अगर हम नॉर्मल निकालें या एवरेज इंटेलिजेंस निकालें तो वो कितना होता है वन होता है हमने बेल शेप्ड कर्व के बारे में भी पढ़ा हुआ है आप जानते हैं जो हमारा बेल शेप्ड कर्व है वो क्या एक चीज बताता है कि अगर आई क्यू हंड्रेड है तो भी चलेगा नॉर्मल है अगर नाइन्टी है वन टेन है तो भी चलेगा दिस इज ऑल्सो नॉर्मल इंटेलिजेंस अगर एट्टी सेवेंटी जाता है है ना तो ये मेंटल रिटार्डेशन को शो करता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी क्रोनोलॉजिकल एज में अपनी मेंटल एज को जो है मतलब कोप नहीं कर पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल

हमने थ्री कर दिया यहां हमने 200 कर दिया तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट समथिंग समथिंग क्लियर तो ये 67 जो है ये हमारी समता की आईक्यू है दैट मींस ये हो तो गए 15 साल के लेकिन अभी भी 10 साल की तरह सोच रही है तो ये क्या है मेंटल रिटार्डेशन है तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है ही नहीं अब बात आती है माइल्ड है या प्रोफाउंड है तो करेक्ट आंसर इज माइल्ड क्योंकि अगर 50, 70, इसके बीच में IQ रहता है, तो वो माइल्ड है लेकिन प्रोफाउंड कब हो जाता है जब वो 2025 के आसपास में 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 आता है। है हमने हमने पढ़ा हुआ पूरा शेप में, हमने ये चीज़ बनाई थी। तो यहां पर question में वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि माइल्ड है या प्रोफाउंड है तो करेक्ट आंसर इज इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कोई दिक्कत आई होप इज इट क्लियर टू यू ओके मच ऑफ एन इंडिविजुअल्स क्चुअल एनर्जी टू बी डैश एंड द रेस्ट एज डैश फ्रूट ये बोलते हैं कि ज्यादातर एक इंडिविजुअल की जो इंस्टिंग एनर्जी है वो कंसिडर डैश करती है और बाकी चीज डैश आपको ये जो स्टेटमेंट दिया ना इसको कंप्लीट करना है ओके फ्र्यूट कंसिडर्ड मच ऑफ एन इंडिविजुअल इंस्टिंग क्ल एनर्जी टू बी डैश एंड इंडिविजुअल की सेक्शुअल एंड एग्रेसिव दैट मीन्स यहाँ पर सेक्सुअल आए यहाँ पर एग्रेसिव आए अग्रेसिव सेक्शुअल यानी इंडिविजुअल की इंस्टिंगटिव एनर्जी जो है वो अग्रेसिव में है और बाकी सारी सेक्शुअल में है डेथ एंड लाइफ इजिंक्ट इंस्टिंक्ट मतलब इंडिविजुअल का इंस्टिंक्चुअल एनर्जी जो है वो डेथ में है और बाकी सारी लाइफ के इंस्टिंक्ट में या नन ऑफ दी अव ओके एंड दी करेक्ट आंसर इज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दी करेक्ट आंसर है अगर आपने फ्यूट का पर्सनलिटी डेवलपमेंट पड़ा है तो आप इसका आंसर दे पाओगे आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सेक्शुअल एंड अग्रेसिव क्योंकि जो फ्यूट का कंसेप्ट था सिकमन फ्यूट पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके वो ये बोलते हैं कि आपका इंस्टिंक्टुअल एनर्जी जो है वो सेक्सुअल बाकी, बाकी जितनी भी तालमेल के साथ में एक पर्सनालिटी डेवलप होती है अब आप क्वेश्चन आपके लिए असर्शन रीजन बेस्ड ओके आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी ग्रुप्स जो हैं वो प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर बनते हैं रीजन वी आर मोस्ट लाइकली टू फॉर्म ग्रुप्स विद दो पीपल हु वी डो नॉट नो हम ज्यादातर उन लोगों के साथ में ग्रुप्स फॉर्म करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं क्लियर वट इज द करेक्ट आंसर हेयर आप मुझे बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्या दोनों में से कोई स्टेटमेंट फॉल्स है अगर दोनों सही है तो क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर एंड द आंसर हेयर इज ऑप्शन सी दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ऐसा क्यों क्योंकि देखो ये तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम ग्रुप्स फॉर्म करते हैं तो वो हम प्रोक्सीमिटी के बेसिस पर फॉर्म करते हैं तो दैट इज दी करेक्ट स्टेटमेंट पर रीजन बोल रहा है कि ग्रुप्स हम उन लोगों के साथ में बनाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। अगर हम किसी को नहीं जानते हैं और उसके बारे में हम मतलब जो है आ, मतलब उसके साथ में हम रह नहीं पाएंगे या उसके साथ में हमारा इंट्रैक्शन नहीं हुआ तो ग्रुप कैसे फॉर्म होगा बल्कि ग्रुप फॉर्मिंग का तो एक फीचर है सिमिलैरिटीज पढ़ा है ना आपने एक प्रॉक्सिमिटी पढ़ा है एक सिमिलैरिटीज पढ़ा है तो जब तक सिमिलैरिटीज नहीं होगी ग्रुप्स को कैसे फॉर्म किया जाएगा जब तक आपके सेम गोल्स एंड मोटिवेशन नहीं होंगे आप कैसे जो है ग्रुप्स को फॉर्म करोगे तो इसीलिए रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है एंड असर्शन इज ट्रू एंड द आंसर इज ऑप्शन सी क्लियर कोई डाउट तो नहीं है यहां तक ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक विच लिस्ट वन हंड्रेड थ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडिया एवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई एक मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक है जिसके अंदर बोला जाता है कि वन हंड्रेड थ्री मेंटल इंटेलिजेंस टेस्ट को कंडक्ट किया जा सकता है ये डिफरेंट लैंग्वेजेज में इंडिया के अंदर अवेलेबल है इसे किसने डेवलप किया था ओके एंड द ऑप्शंस आर सी एच राइस लॉन्ग एंड मेहता एम सी जोशी या प्रमिला पाठक क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ मुझे मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक इसे किसने डेवलप किया है एंड द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज लॉन्ग एंड मेहता ये याद रखना ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं हम बहुत बार स्किप कर देते हैं कि हो सकता है ये नहीं आएगा ये हमें याद नहीं होगा बट एक आध बार रीड भी करोगे तो थोड़ा कुछ रिलेटेड तो माइंड में रहेगा है ना क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको फैक्चुअल याद नहीं होता बट बहुत ज्यादा नहीं है अभी थोड़ा बहुत है तो आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टेल में दी करेक्ट आंसर डैश हैज आइडेंटिफाइड दैट ग्रुप थिंक में बी अ रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन एंड uh, इन में इन्फ्लुएंस द लीडर्स टू मेक इेशनल डिसीजन इनमें से कौन है वो जिन्होंने कहा है कि ग्रुप थिंक जो है वो कोहेशन की वजह से आती है जब लोगों में एक एकजुटता होती है तब एक ग्रुप फॉर्म होता है और ये लीडर्स के इेशनल डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है आपको मुझे बताना है, ये किसने बोला है ऑप्शन सी एच राइस प्रमिला पाठक एरविंग जैनिस या न ऑफ द अब क्या होगा करेक्ट आंसर सोचो 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 आंसर इज ऑप्शन येस ऑप्शन सी दरविंग जेनिस इन्होंने इस बारे में बोला है तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे जहां पर वो आपसे पर्सनैलिटी का नाम पूछ लेंगे ठीक है कि ये चीज किसने बोली है ये चीज किसने बताई है रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट इनके बारे में बताओ तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए मेन मेन जो चीजें हैं वो एटलीस्ट याद रखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन द टाइम्स ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइक नेचुरल डिजास्टर और एन आउटब्रेक पीपल मे प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी अंडर in इन द फॉर्म ऑफ मनी गुड्स एंड This दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू stressed इंडिविजुअल्स जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं जैसे मान लो मतलब हम नहीं हैं बट कोई भी है तो जनरली uh, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है कहीं पे सुनाम सुनामी आ गई है कोई अर्थ ब्रेक अर्थक्वैक आ गया है कोई आउटब्रेक किसी भी चीज़ का हो गया कोई पैंडमिक वगैरह आ गया है तो जनरली लोग क्या करते हैं एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं चाहे वो मनी के फॉर्म में हो चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो चाहे वो सर्विसेज के फॉर्म में हो ये किस तरह के सपोर्ट का एग्जाम्पल है जो कि हम स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करते हैं ऑप्शंस इंफॉर्मेशनल सपोर्ट टेंजिबल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट कमॉन मी। इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर है हम कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मनी गुड्स सर्विसेस के फॉर्म में ये आपने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है ठीक है आपको बताना है मुझे बस करेक्ट आंसर क्या है आपको याद होना चाहिए एंड द आंसर इज ऑप्शन बी दट इज टेंजिबल सपोर्ट

फॉल्टी बिहेवियर मेनटेनिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो फॉल्टी बिहेवियर को और मतलब जो है परसिस्ट करते हैं उसको और बनाए रखते हैं रीजन फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग हेल्प्स रिलीज इस्ट्रेस सो दैट इज अंटेनिंग फैक्टर जैसे स्मोकिंग है इस्मोकिंग करने से इस्ट्रेस कम हो जाता है या स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तो ये एक तरीके का मेनटेनिंग फैक्टर है क्लियर मेंटेनिंग फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो फॉल्टी बिहेवियर को परसिस्ट करते हैं एग्जाम्पल जैसे किसी को स्मोकिंग करने से उसका स्ट्रेस कम हो जाता है तो उसको स्मोकिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए ये एक मेंटेनिंग फैक्टर है क्या बोलोगे आप करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट या फिर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स है और अगर दोनों सही हैं तो क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है बताओ इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट क्रिस्टल क्लियर कि रीजन तो फॉल्स है ना यहां पे हम कभी भी ऐसी चीज को क्यों बढ़ावा देंगे और पहली चीज ये बिल्कुल सही है कि मेंटेनिंग फैक्टर्स फैक्टर्स वो factors होते हैं जो faulty को persist करते हैं जो फॉल्टी बिहेवियर को करते तो इसमें एग्जाम्पल ये होना चाहिए कि जैसे आप स्मोकिंग को छोड़ने के लिए ट्राई कर रहे हो ना कि आप उसको और ज्यादा जो है कंटिन्यू uh, करने के बारे में सोच रहे हो इसकी वजह से मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑब्वियस ये बात तो क्लियर ऐसी चीजों में ज्यादा सोचना नहीं होता ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ए जहां पर हमने 18 क्वेश्चंस को आंसर किया है आई होप सो क्लियर हैं और इतने में कोई डाउट नहीं होगा मैंने आराम आराम से इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से हर एक एम को समझ पाओ और साथ ही साथ में कोई चीज में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट भी आ रहा है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा स्टिल कोई भी चीज पूछनी है या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अब यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होगा सेक्शन बी सी डी ई एफ इन सभी को क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इसमें आपको कैसे आंसर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो क्वेश्चन पर जो है फोकस करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन बी सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी तक क्वेश्चन है टू मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड थर्टी वर्ड्स आपको क्वेश्चन को 30 वर्ड्स में आंसर करना है ना उससे ज्यादा ना उससे कम सो so, कोशिश करें कि जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आंसर करें अननेसेसरी लिख के अपने टाइम को वेस्ट ना करें क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ टू मार्क्स के हैं क्लियर और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ टू मार्क्स के हैं तो छोड़ ही देते हैं ऐसा मत करना टोटल अगर करोगे ना फाइव इंटू टू तो टेन मार्क्स का हो रहा है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को आंसर करें क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

रिलेशनशिप जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट की होती है उसे थेरेपेटिक लाइन्स बोलते हैं थेरेपिटिक रिलेशनशिप में ट्रस्ट इन्वायमेंट होना चाहिए ट्रस्टिंग इन्वायमेंट होना चाहिए जहाँ पर एक थेरेपिस्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है उसको डिस्प्ले करता है नॉन जजमेंटल होता है और एक एम्पेथेटिक एटीट्यूड रखता है अपने क्लाइंट को लेके मतलब जैसे मान लो मैं थेरेपिस्ट हूँ मैं आपको थेरेपी प्रोवाइड कर रही करूँ आप मेरे क्लाइंट हो तो ऐसे ही तो आपके और मेरी रिलेशनशिप नहीं बन जाएगी जब तक मैं आपके साथ पॉजिटिव नहीं रहूंगी जब तक मैं आपको यह फील नहीं कराऊंगी कि, कि मैं आपके साथ में हूं, आपको कि किसी करेशानी की, की जरूरत नहीं है आपको लेके पॉजिटिव रहूंगी आप कंफर्टेबल हो जाओगे तब ये एक अलाइंस स्टार्ट होगा ओके okay? इसके दो तरह के कंपोनेंट होते हैं एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर एक होता है लिमिटेड ड्यूरेशन नेचर का ना और मैं जब तक आपकी सारी नहीं हो जाती तब तक के लिए आपका और मेरा ये बना रहेगा दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट है और लिमिटेड ड्यूरेशन का मतलब भी यही होता है ठीक है कि ये कुछ समय के लिए है कॉन्ट्रैक्ट इन सेंस की uh, मतलब ये लिमिटेड ड्यूरेशन हो गया और कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस की आपने मुझे चूज किया है एज अ मैंने आपको चूज किया है क्लाइंट एज अ मतलब एज अ क्लाइंट तो आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसके अकॉर्डिंग ये हमारी रिलेशनशिप चल रही है क्लियर लिख पाएंगे इतना कोई दिक्कत नहीं है फटाफट लिख देंगे मेरे होनहार स्टूडेंट्स ओके लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20 डिस्क्राइब कैटल स्ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी ओके आंसर रेमंड कैटल अप्लाइड द स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस टू डिस्कवर द कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रेड बताओ पर्सनैलिटी को लेकर हमने पहले तो कैटल के नाम बताया कि रेमंड कैटल कैटल ऐसी नहीं नहीं या कैटल ठीक है इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निकैक्टर एनालिसिस को यूज किया ताकि वो लोगों के बिहेवियर को समझ सकें कि डिफरेंट कंडीशंस में या जो पीपल का बिहेवियर है या कहीं ना कहीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों के ठीक है जो पर्सनल क्या बोलते हैं उसको एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं तो उन्होंने दो तरह के ट्रेड्स बताए एक उन्होंने सोर्स ट्रेड्स बताए एक उन्होंने सरफेस ट्रेड्स बताए सोर्स ट्रेड्स आर दी स्टेबल एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी कैटल प्रोवाइड बिलीव्ड दैट देयर आर सोर्स ट्रेट्स प्रेजेंट इन अपोजिंग टेंडेंसीज लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मे बी रिजर्व्ड और आउट गोइंग सीरियस और हैप्पी गो लकी एंड सबसेव और डोमिनेंट तो हम सभी के अंदर कुछ स्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पर्सनालिटी के उनको कैटल को ऐसा लगता था कि 16 सोर्स ट्रेड्स होते हैं अपोजिंग टेंडेंसीज में जैसे मान लो कोई खुश रहता है तो कोई शांत सीरियस रहता है कोई रिजर्व रहता है तो कोई बड़ा ही आउट पर्सन होता है तो इस तरह से उन्होंने सोर्स ट्रेड्स के बारे में बताया सरफेस ट्रेड्स आर रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ सोर्स ट्रेड्स जब सोर्स ट्रेड्स इंट्रैक्ट करते हैं तो पर्सनालिटी के हमारे कुछ मतलब पहलू ऐसे बोल सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई होते हैं बाय अदर पीपल तो ये जो सेकंड है आपकी ये सरफेस ट्रेट्स हैं तो थोड़ा सा ये अप्रोच आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है ठीक है इसी में एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के और में डिस्क्राइब द ईगो एंड सुपर ईगो सीज प्रपोज बाय सिगमेंट फ्रूड ईगो और सुपर ईगो सिगमेंट फ्यूड ने प्रपोज किया था इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है ईगो इट आउट ऑफ आई बट सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इन नीड्स इन अकॉर्डेंस विथ रियालिटी हैंस इट वर्क्स बाय रियालिटी प्रिंसिपल ईगो वर्क करता है रियालिटी प्रिंसिपल पर ईगो डायरेक्ट द आई डी टूवर्ड सोशली अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग ठीक है तो ईगो जो है वो डायरेक्ट करता है कि आपको कैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग या सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं बिहेवियर ट्रेड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है सुपर ईगो ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी प्रिंसिपल दैट इज सोसाइटल नॉर्म्स क्या होना चाहिए क्या सही है क्या करने योग्य है इस तरीके से तो थोड़ा सा दोनों को डिफाइन यहाँ पर कर देंगे ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन दिस टेक्निक एम्स टू इनाक्यूलेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस आइडेंटिफाई द टेक्निक बींग रिफर्ड टू हेयर नेम इट्स प्रोपोनेंट एंड मैंशन द स्टेप्स फॉलोड वाई यूजिंग दिस टेक्निक एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो स्ट्रेस में है उनके स्ट्रेस को इनाक्यूलेट करने के लिए कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं सबसे पहली चीज़ आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक की बात यहाँ पर हो रही है इस टेक्निक को किसने दिया ये आपको सेकंड बताना है और कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए जब हम इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं दिस इज थर्ड वन क्लियर आए यहाँ तक समझ में स्टार्ट करें ठीक है देखो द टेक्निक बींग रेफर टू हेयर इज स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक बेस्ड ऑन कॉन्ग्नेटिव बिहेवियरल टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट को हमने आंसर कर दिया इस टेक्निक को किसने दिया था सुमिकन बूम ये हमारा पार्ट का आंसर हो गया कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं तो तीन स्टेप्स होती हैं पहला असेसमेंट इट इन्वॉल्व डिस्कसिंग एंड सीइंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव आप असेस कर रहे हो प्रॉब्लम को क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेस रिडक्शन आप मैनेज करते हो स्ट्रेस को रिलैक्सेशन सेल्फ इंस्ट्रक्शन ये सारी चीजों के थ्रू मतलब थेरेपिस्ट करवाता है एंड थर्ड इज एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू क्लाइंट जो है रियल टाइम में प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अप्लाई करना सीख जाता है और सेल्फ और रियालिटी दोनों में सेपरेशन कर लेता है क्लियर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को आंसर फाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू साशा इज अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड गर्ल इज फाइव एट टॉल वेट्स फोर्टी नाइन केजीज एंड शी इज वेरी फैट साशा एक सोलह साल की बच्ची है और उसकी हाइट है फाइव एट मतलब मुझसे भी लंबी है ठीक है <laughs> उसका वेट है फोर्टी नाइन के और उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फैट है As a a result, she hardly eats any food and tries to survive on one apple a day. Oh my God! <laughs> देखो, तो, uh, होता क्या है? अब उसको ऐसा है, कि भाई, वो बड़ी है तो वो सोचती है अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगी तो खाना छोड़ देती है और पूरे दिन में सिर्फ एक एप्पल खाती है Tell me the disorder that she has। बस क्वेश्चन तो देख के समझ में आ जाता है मतलब स्टेटमेंट देख के समझ में आ जाता है क्या क्वेश्चन पूछा है सो so, साशा इज एक्सपीरियंसिंग एनोरेक्शिया नर्वोसा देखो आप कितने मतलब खतरनाक नाम है ना ऐसे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं ऐसे बोलने से साशा <laughs> को जो है एनोरेक्शिया नर्वोसा हो गया है uh, ये जनरली यूथ में देखा जाता है स्पेशली जब आप टीन में होते हो तब तो एनोरैक्शिया uh, नर्वोसा में ऐसा होता है कि आपकी अपनी एक सेल्फ इमेज आप बना लेते हो ना आप अब यहाँ पे जैसे साशा है वो अपने आप को ओवरवेट मान रही है तो आप क्या करते हो अवॉइड कर देते हो खाना खाना स्टार्व करने लग जाते हो ओवर एक्सरसाइज करने लग जाते हो ताकि आप वेट लूज कर सको साशा के केस में भी यही हो रहा है शी इज वेरी मच विद इन वेट रेंज फॉर पीपल ऑफ हर एज एंड हाइट येट शी हैज अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज एंड ईटिंग अदर कैटेगरी आर अब देखो यहाँ पर जैसे अगर हम साशा की बात करें 16 साल की लड़की है ठीक है आपसे थोड़ी ही बड़ी होगी शायद है ना 12th क्लास में इतनी तो होते हैं 17 18 तक के आपसे थोड़ी सी छोटी होगी है ना तो अब 58 है मतलब हाइट भी अच्छी खासी है अब 49 kg है तो भाई इतनी हाइट के साथ में इतना वेट इज ओके यू आर मतलब लाइक मतलब परफेक्ट है मुझे देखो मैं कितनी दुबली हूं ठीक है तो यहां पे जो साशा है वो परफेक्ट हाइट परफेक्ट वेट में है बट स्टिल उसने अपनी एक सेल्फ इमेज बना के रखी हुई है कि भाई मैं जो है बहुत मोटी होती जा रही हूँ तो इसलिए खाना पीना उसने जो है छोड़ दिया है तो इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं मेरी मेरी तरह बोल के बताओ एनोरेक्शियाज नर्वोसा ओके सो इस तरह के और भी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे बुलिमिया नर्वोसा बिंज ईटिंग बहुत ही कम खाना या खा के जो है फिर वॉमिट कर देना इस तरीके के खैर हमसे एक दो पूछे थे तो हमने बता दिए ओके लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट आर सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है आप मुझे बताएंगे ओके सो वेराइटी ऑफ सिचुएशनल टेस्ट हैव बीन फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट इज सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट इट प्रोवाइडेड अस विध इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ पर्सन बिहेव अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस होती हैं या स्ट्रेस को डील करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आए पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट है वो है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट इसके अंदर क्या होता है कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव किया करेगा इसकी स्टडी की जाती है टेस्ट में हमको वो पर्सन चाहिए होता है और उसको एक गिवन टास्क दिया जाता है दूसरे लोगों के साथ में भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि नॉन कॉपरेटिंग और इंटरफेयरिंग होगा द टेस्ट रिक्वायर्स अ अ पर्सन टू टू परफॉर्म गिवन टास्क विद अदर हु आर इंस्ट्रक्टेड बी नॉन कॉपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग मतलब जैसे मान लो ये एक पर्सन है ठीक है ऐसे मतलब ये तो बिल्ली बन गई ठीक है इसकी दो चोटी बना देते हैं ठीक है ये एक लड़की है अब इसको सिचुएशनल स्ट्रेस हो जाता है ये इसको स्ट्रेस इस है तो अब हम इसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं इसके साथ में हमने दो चार लोगों को और ले लिया ठीक है ये हमारे साथ में कुछ लोग हैं ए सी डी ई अब हो क्या रहा है कि इसके ऊपर हम सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो एक टेस्ट कंडक्ट किया और उसमें हमने इन लोगों को भी साथ में ले लिया और इन लोगों को हमने बोल दिया था साफ ए बी सी डी को कि आप इसको बिल्कुल भी कॉपरेटिव नहीं रहोगे आप बिल्कुल भी इसके साथ में जो भी काम चल रहा है कोई कॉपरेशन नहीं देना कोई हेल्प भी मांगेगी तो आप करोगे नहीं पर ये जो भी काम करेगी आप उसमें इंटरफेयर करना ठीक है टेस्ट अ काइंड ऑफ रोल प्लेइंग द पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू प्ले रोल फॉर विच ही वर्बल रिपोर्ट इज ऑल्सो ऑपटेन ऑन वॉट शी ही वॉज आज टू डू द सिचुएशन में बी अ रियलिस्टिक वन और इट मे बी क्रिएटेड थ्रू आ वीडियो प्ले तो ऐसे में क्या होता है फिर हम इसके बिहेवियर को इसके रोल को मतलब जो है जज करते हैं एक रिपोर्ट कार्ड पूरा मेनटेन करते हैं और उसमें जो है एक वर्बल रिपोर्ट और उसमें हम देखते हैं कि इसको क्या काम करने को बोला गया था ये कौन सी चीज़ों से इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है और धीरे धीरे करके इसको पूरा एनालाइज करेंगे सिचुएशन रियलिस्टिक भी हम बना सकते हैं चाहे तो उसको कोई एक वीडियो दिखा दें और फिर उसके बाद में उसको वो टास्क करने के लिए बोले तो इस तरीके का भी जो है एक टेस्ट हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट तो थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर आपको बताना है क्लियर सेक्शन भी कोई डाउट तो नहीं ओके लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी सेक्शन सी में आपको ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक क्वेश्चन होंगे थ्री मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड हाउ मच वर्ड लिमिट्स 60 वर्ड लिमिट्स ओके तो 60 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 24 डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन एनी थ्री डोमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आपको स्ट्रेस का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ के किसी तीन डोमेन पर बताना है तो हम फिजियोलॉजिकल बताएंगे बिहेवियरल बताएंगे और इमोशनल बताएंगे सबसे पहले स्ट्रेस जो है वो ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है पर जो थ्री डोमेन्स हैं जो प्राइमरीली अफेक्टेड होती हैं दीज आर एस फॉलोस नंबर वन फिजियोलॉजिकल जब ये स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जैसे कोर्टिसोल और एंड्रीलिन Uh, ये सभी जो है हमारी बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं जैसे कि हार्ट रेट बी मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम इन सभी पर अफेक्ट पड़ता है कुछ लोगों की हार्ट रेट बढ़ जाती है कुछ लोगों की कम हो जाती है किसी का बीपी बढ़ जाता है कम हो जाता है किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो uh, पूरा इम्बेलेंस मतलब उसमें क्रिएट हो जाता है क्लियर सेकेंड इज़ बिहेवियरल बिहेवियरल में क्या होता है देखो स्ट्रेस आपके एपेटाइट को अफेक्ट कर सकता है और ऐसे में आप स्टिमुलेंट्स को बहुत ज्यादा इनटेक कर लेते हो जैसे कैफीन एल्कोहल सिगरेट स्मोकिंग मेरे को एक चीज आज तक नहीं समझ में आई ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि लोगों की लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस आ जाए कुछ भी मतलब बिना हाथ पैर वाला भी स्ट्रेस अगर उनके लाइफ में आ जाए दे आर लाइक कि स्मोकिंग करने लग जाते हैं अल्कोहल पीने लग जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा नहीं भाई आप ये चीज़ मतलब जो है स्ट्रेस आपकी बिहेवियरल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है ऐसा करने से कभी स्ट्रेस कम हुआ है नहीं हुआ बीपी हाई या बीपी लो होने से स्ट्रेस कभी कम हुआ है नहीं हुआ बट द ओनली थिंग इज़ कि आपकी बॉडी आपका बिहेवियर आपका माइंड पूरा सब कुछ जरूर खराब हो जाता है ओके okay? खैर उसको लेके थेरेपीज वगैरह हमने पढ़ी है बट जो इफेक्ट है तो बिहेवियरल में ये एक चीज़ है दूसरा स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं वर्क परफॉर्मेंस रिड्यूस होने लग जाती है और आ, अब अपने वर्क प्लेस पे या कॉलेज स्कूल जहाँ पर भी अगर बच्चों को भी है तो वो उसमें एबसेंट रहने लग जाते हैं क्लियर लास्ट वन वॉज ये इमोशनल इमोशनल में ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं चिड़चिड़ा बनाने लग जाता है डिप्रेशन होने लग जाता है टेंशन लेने लग जाते हो कॉन्फिडेंस नहीं बचता और रिलेशनशिप्स ऐसे में अफेक्ट होती हैं इज इट क्लियर कोई डाउट ठीक है क्लियर है ना सीधा साधा सिंपल सा ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हाउ डू पर्सन कैरे कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता है, है ना सब बिल्कुल बहुत ही समझदार बच्चे हैं सो so, जो पर्सन है वो कैरेक्टर मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस को डिटरमाइन करने में या स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करने में और कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो उसको ऑल्टर कर पाते हैं स्ट्रेस को देखो कैसे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज कॉन्टिजेंट अपॉन वंस फिजिकल हेल्थ एंड कॉन्स्टिट्यूशन An individual with relatively poor health and weaker constitution would be more vulnerable to stress than the one who is good health and stronger. Manlow. कोई फिजियोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं कोई पर्सन है जिसकी बहुत ही बढ़िया हेल्थ है हमेशा जो है मतलब उसकी हेल्थ अच्छी रहती है स्ट्रॉन्ग है मेटाबॉलिज्म अच्छा है न्यू नियो, पूरा न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है मतलब न्यूरोलॉजी जो है वो सब कुछ बहुत बढ़िया है और सेकेंड साइड पर एक ऐसा पर्सन है जिसकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है हमेशा जो है मतलब परेशान रहता है अपनी हेल्थ से तो कौन से केस में स्ट्रेस ज्यादा किसको होगा फर्स्ट केस में नहीं होगा सेकंड केस में ज़्यादा अफेक्ट करेगा तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको वलनरेबल या लेस वनरेबल बनाते हैं स्ट्रेस को लेके सेकंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपकी गुड मेंटल हेल्थ है बैलेंस्ड टेम्परामेंट uh, है आप हमेशा चीजों को लेकर पॉजिटिव रहते हो तो आपको स्ट्रेस अफेक्ट नहीं करेगा आप अगर स्ट्रेस आता भी है तो आप उसको साइड कर दोगे लेकिन वहीं अगर आपके साइकोलॉजिकल uh, मतलब आप अपने आप को लेके एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखते हो या लाइफ को लेके एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखते हो तो आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी क्लियर okay? मतलब स्ट्रेस थर्ड वन इज योर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखो द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो बरीज विथ कल्चरल एक्सपेक्टेशन ऑफ वंस रिस्पॉन्स टू लाइफ स्टाइल और बिहेवियर्स इन अ गिवन सिचुएशन जैसे कल्चरल डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर ऑफ अ टीन एजर में शेप हिजर एक्सपीरियंस एज एन एडोलिसेंट मतलब ये है कि आपका कल्चर कैसा है और आपके कल्चरल एक्सपेक्टेशन्स कैसी होती हैं आपके कल्चर की एक्सपेक्टेशंस आपसे कैसी होती हैं आपकी कैसी लाइफ स्टाइल कैसा बिहेवियर होना चाहिए जैसे मान लो कोई एक टीनेजर है उस मतलब जब वो अपनी अडोलसेंट स्टेज में था तो उसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके स्ट्रेस कोप करने की टेंडेंसी को अफेक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा अगेन क्लियर आई होप सो ठीक है आगे बढ़े समझ में आ रही ना सारी चीज़ें कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है या डाउट आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ठीक है मैं इसलिए स्टार्टिंग में बहुत आराम आराम से आपको पढ़ाई बिल्कुल शांत के ही. मतलब अभी तो मेरी थोड़ी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है ना मुझे ऐसा लगता है आप लोग को आ रहा है आ रहा है बट अगर नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ में डाउट है तो मुझे बताओ Uh, मैं यहाँ पे आपको डाउट्स भी सॉल्व करूंगी क्वेश्चन के साथ साथ आई एम जस्ट लाइक आप क्वेश्चन देखो आंसर क्या लिखना है वो देखो क्योंकि अब तक हम इतने पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं तो पैटर्न ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी नहीं है तो पूछो मैं आपको हर पेपर में बताऊंगी वैसे भी बताती हूँ और डिटेल में बताऊंगी ठीक है आई होप so सो कि आप थ्री पेपर्स को फॉलो कर रहे हो तो एक सिस्टम मतलब एक पैटर्न आपको जो है वो समझ में आ जाएगा इज इट क्लियर ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एक्सप्लेन द थेराप्यूटिक टेक्निक्स दैट कैन हेल्प अ क्लाइंट टू करेक्ट हिज और हर मस्ट एंड शुड स्टेटमेंट्स समझ रहे हो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि थैरापिटिक टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो जिसके थ्रू कोई पर्सन जैसे मान लो मैं हूँ मतलब ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी ही होनी चाहिए दैट इज मस्ट और ये चीज़ मुझे अगर मिलती या ये चीज़ मेरी लाइफ में होती तो अच्छा होता दैट इज़ शुड मस्ट इज की होना ही होना चाहिए और शुड इज समथिंग लाइक कि अगर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता या ऐसा होना चाहिए था क्लियर डिफरेंस समझ रहे ना मस्ट और शुड वाले स्टेटमेंट्स में तो कौन से ऐसे थेरापूटिक टेक्निक्स होती हैं जो किसी के मस्ट और शुड स्टेटमेंट्स में करेक्शन लेके आ सकती हैं ठीक है आप आंसर से शायद ज्यादा अच्छा समझ पाओ देखो रेशनल इमोटिव थेरेपी रेशनल इमोटिव थेरेपी करेक्ट करती है मस्ट और शुड स्टेटमेंट्स को इस थेरेपी को एल्बर्ट एलिस ने प्रपोज किया था सेंट्रल थीसिस इस थ्योरी का इस थेरेपी का ये है कि इेशनल बिलीफ्स मीडिएट बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसिस द फर्स्ट स्टेप इन आर ई टी इज द एंटीसीडेंट बिलीव कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस देखो जो आपकी रेशनल इमोटिव थेरेपी है इसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है ए बी सी एनालिसिस के बारे में ए इज योर एंटीसीडेंट इज योर बिलीव सी इज योर कॉन्सिक्वेंसिस एंटीसीडेंट इवेंट्स विच कॉज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आर नोटेड वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ है एंटीसीडेंट इवेंट्स उसको नोट किया जाता है द क्लाइंट इज ऑल्सो इंटरव्यू टू फाइंड द इेशनल बिलीव विच आर डिस्टोर्टिंग द प्रेजेंट रियालिटी साथ ही साथ में मतलब जैसे मान लो मैं हूँ मेरे ऊपर रिसर्च चल रही है मेरे ऊपर मतलब मुझे थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है मैं क्लाइंट हूँ अब ठीक है अब मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे बड़ा ही डिस्ट्रेस फील होता है या मैं बहुत ही नेगेटिव फील करने लग जाती हूँ ऐसी कौन सी इर बिलीव्स हैं मेरे अपने ठीक है मेरे अपने ऐसे कौन से इ बिलीव्स हैं जिसके ऊपर मैं मान लेती हूँ मुझे ऐसा लगता है जो मैं सोच रही हूँ वही सही है और मैं हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती हूँ मुझे स्ट्रेस होने लग जाता है और लाइक like, मतलब इ रेशनल बिलीव इन द सेंस कि उसका कोई फैक्चुअल या कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है बट मैं उस चीज़ को मान रही हूँ तो इन चीज़ों के ऊपर पहले एनालिसिस किया जाता है इ बिलीव्स मे नॉट बी सपोर्टेड बाई एम्पेरिकल एविडेंस इन द इनवामेंट दीज बिलीव्स आर कैरेक्टराइज बाई थॉट्स विथ मस्ट एंड शुड इेशनल बिलीव जो होते हैं उनका कोई एम्पायरिकल एविडेंस तो होता नहीं है ठीक है तो इसीलिए इन ये जो सारे बिलीफ्स होते हैं ना जो इेशनल बिलीफ होते हैं इनको मस्ट और शुड थॉट के साथ में कैरेक्टराइज किया जाता है फिर ये जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है एंटीसीडेंट इवेंट का और इरे बिलीव्स का इसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या आते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर्स आने लग जाते हैं तो इन इरे बिलीव्स को एसेस किया जाता है क्वेश्चन और इंटरव्यू के थ्रू आरई टी दैट इज रेशनल इमोटिव थेरेपी में इन रेशनल बिलीव्स को रेफ्यूट कर देता है थेरेपिस्ट यानी पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करता है कि ये सच नहीं है और ऐसे करके थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं पर इंटरव्यूज के थ्रू क्वेश्चन आयर्स के थ्रू नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग जेंटल होता है बिना किसी प्रोविंग या बिना किसी डायरेक्टिव के क्वेश्चन क्लाइंट को डीप थिंकिंग करने पर मजबूर कर देते हैं uh, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ और प्रॉब्लम्स को ज्यूम मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी उसके एजमशंस थे उनके बारे में सोच पाता है और धीरे धीरे करके क्लाइंट के ये जो इरेशनल बिलीव्स हैं इनमें चेंज आने लग जाता है और जो रेशनल बिलीव सिस्टम है वो इरेशनल बिलीव्स को क्या कर देता है रिप्लेस कर देता है और इस तरीके से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और मस्ट और शुड वाले थाट्स जो हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं अब क्योंकि यहाँ पर सिक्सटी वर्ड्स लिखने हैं तो थोड़ा सा डिटेल तो लिखना है बट बहुत ज्यादा डिटेल्स भी नहीं लिखना है ठीक है तो दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मतलब फर्स्ट अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में एक और पार्ट है ओके दैट इज विच स्कूल ऑफ थेरेपी प्रैक्टिस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कौन सी स्कूल ऑफ थेरेपी है जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को मतलब प्रैक्टिस करती है या कौन सी थेरेपी के अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में बात होती है क्लियर देखो जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होती है जैसे कार्ल रॉगर्स ने दिया था ओके, okay? के अंदर साइकोथेरेपी individual, के साथ में और यहां पे वो साइकोथेरेपी के मतलब इसमें साइकोथेरेपी करते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ विद फ्रीडम एंड चॉइस एस दर वन बींग रॉगर जो है वो साइकोथेरेपी का कंसेप्ट लेकर आते हैं जिसमें वो सेल्फ आपके अपने बारे में आपकी फ्रीडम आपकी क्या चॉइसेस हैं इन सारी चीज़ों को एज अ कोर रखते हैं दैट इज़ द क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी मतलब क्लाइंट के ऊपर ही सारा फोकस जो है वो रहेगा थेरेपी एक वार्म रिलेशनशिप बनाती है क्लाइंट के साथ में मतलब थेरेपी के अंदर एक वार्म रिलेशनशिप बनाई जाती है क्लाइंट के साथ में उसको रिकनेक्ट करवाया जाता है उसके डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स के साथ में थेरेपिस्ट यहाँ पे एम्पेथी शो करता है क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस इन सारी चीज़ों को समझता है कि इफ़ इट वर एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है अपने क्लाइंट को लेके दैट इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट और ये जो एक एम्पेथी है ये एक तरह का इमोशनल रेजोनेंस बनाती है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पॉजिटिव वाम प्रोवाइड करता है मतलब इंडिकेट करता है पॉजिटिव वाम थेरेपिस्ट की दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वट द क्लाइंट रिव्यूज और डज इन द थैरेपी सेशन

क्लाइंट का अपना सेल्फ कंसेप्ट उसका अपना एक फ्रीडम को लेके उसकी अपनी फीलिंग्स क्या है और साथ ही साथ मैं थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को पूरा ये चीज फील करवाता है इवन एक्चुअल में भी कि मैं आपके साथ में मतलब बहुत एम्पेटिक हूँ हमेशा पॉजिटिव रहेगा कभी भी उसको जज नहीं करेगा चाहे वो किसी भी तरीके से रिएक्ट करे वो हमेशा अपना एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखता है इसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बोलते हैं ठीक है सॉरी इसकी वजह से एक इमोशनल रेजोनेंस दोनों के बीच में बन जाता है क्लाइंट के बीच में भी थेरेपिस्ट के बीच में भी और ये एक जो अनकंडीशनल वॉर्म था यूनिक अनकंडीशनल बॉम्ब है ये थेरेपिस्ट के मतलब क्लाइंट इसके थ्रू थेरेपिस्ट के साथ में ट्रस्ट और सिक्योर फील कर पाता है साथ ही साथ में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर पाता है और लास्ट में थेरेपिस्ट अपना नॉन जजमेंटल मैनर में क्लाइंट की फीलिंग्स को भी रिफ्लेक्ट कर पाता है क्लियर यहां तक भी आया समझ में ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वी शुड गार्ड अगेंस्ट द एरोनियस प्रैक्टिस असोसिएटेड विथ इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड कुछ एरोनियस प्रैक्टिसेस हैं हमको उनके अगेंस्ट में रहना चाहिए हमको उनका ध्यान रखना चाहिए कमेंट ऑन दिस देखो इंटेलिजेंस टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं uh, इनके अंदर हम इंडिविजुअल की मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज का पता करके उसका इंटेलिजेंस पता कर पाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में पर्सनल सिलेक्शन करियर काउंसलिंग गाइडेंस काउंसलिंग सेल्फ एनालिसिस डायग्नोसिस इन सभी में इनको यूज किया जाता है लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला है स्टिग्मा स्टिग्मा का मतलब ये है कि अगर पुअर परफॉर्मेंस टेस्ट में होती है तो एक स्टिग्मा उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से एक पुअर सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है और परफॉर्मेंस में ड्रॉप आने लग जाता है मतलब जैसे मान लो आप हो आप बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन आपका मैं कोई टेस्ट लूँ उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से तो मैं एक ये चीज़ बना लूँ कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है और आप तो कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जा रही है और साथ ही साथ में आपके अंदर भी ये एक चीज़ होने लग जाती है कि कहीं ना कहीं आपका अपने आप को लेकर एक नेगेटिव मतलब फीलिंग्स जो हैं वो आने लग जाती हैं सेकेंड है डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट में इन्वाइट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसज फ्राम पेरेंट्स टीचर्स एंड अदर्स इन दी सोसाइटी इसके थ्रू तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह को यूज़ करके कि अरे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये कंपेरेटिवली ये उतना ज़्यादा नहीं है टीचर्स पेरेंट्स सभी ऐसे करते हैं तो इसको हमको अवॉइड करना चाहिए पुअर रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर टेस्ट बाइज्ड है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेके यानी कि जो नॉर्म्स हैं वो मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए मिडिल क्लास या हाई एंड सोसाइटी के ही लिए है तो ये टेस्ट कहीं ना कहीं आई क्यू को अंडर वैल्युएट कर रहे हैं और ये डिसएडवाटेज बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं उनके आई क्यू को भी अंडर वैल्युएट कर रहे हैं तो इसीलिए इस तरह के टेस्ट को कंडक्ट नहीं होने देना चाहिए लैक ऑफ प्रैक्ट प्रैक्टिकल स्किल असमेंट इंटेलिजेंस टेस्ट आपके क्रिएटिव पोटेंशियल को कैप्चर नहीं कर सकता कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है पर जरूरी नहीं कि उसके अंदर उतनी ही क्रिएटिविटी हो जरूरी नहीं है तो इसीलिए प्रैक्टिकल स्किल असेसमेंट जो है वो उसके थ्रू नहीं हो पाता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट में ध्यान रखनी चाहिए इज इट क्लियर कोई डाउट यहाँ तक आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू सो लेट्स बिगिन आर सेक्शन डी सेक्शन डी में थ्री टू फोर क्वेश्चन यू हैव और ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन फोर क्वेश्चन फोर मार्क्स ईच हर एक क्वेश्चन को आंसर करने में फोर मार्क्स मिलेगा एंड वर्ल्ड लिमिट इज यस वन ट्वेंटी वर्ड्स लॉन्ग टाइप वन क्वेश्चन है ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें कोशिश करो कि लिखो अपने आंसर में एंड देन मेन पार्ट ऑफ द आंसर वन ट्वेंटी वर्ड्स है इनफ मतलब वर्ड लिमिट यू हैव ठीक है तो सारे पॉइंट्स को इसके अंदर नोट करो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन इंडिया द सुसाइड रेट Among youth adults aged टू to 29 ईयर्स is मोर देन थ्री टाइम्स द इंटरनेशनल एवरेज इंडिया में सुसाइड रेट जो है वो 15 से 29 साल के लोगों के बीच में बहुत 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 ज्यादा है अगर हम इसको कंपेयर करें इंटरनेशनल एवरेज के साथ में तो इंटरनेशनल एवरेज से ये थ्री टाइम्स ज़्यादा है मान लो कि इस एज ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में पूरे वर्ल्ड में ठीक है किसी एक पर्सन की आ, किसी एक पर्सन ने सुसाइड किया वहीं इंडिया में कंपैरेटिवली तीन लोगों ने सुसाइड किया तो वो थ्री टाइम्स उससे ज्यादा है ठीक है सजेस्ट हाउ वी कैन द यूथ हु आर इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस एंड प्रिवेंट सुसाइड तो अब इतना ज्यादा अगर रेट है तो हमको कुछ मेजर्स बताने पड़ेंगे कि कैसे हम कौन से यूथ डिस्ट्रेस में है क्या डिस्ट्रेस है और कैसे सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है ठीक है इसके लिए थोड़े हमको कुछ मेजर्स वगैरह बताने हैं कुछ सजेशंस देने हैं, देखो द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल विथ डिप्रेसिव एंड बाईपोलर डिसऑर्डर्स जो भी लोगों को किसी तरीके का डिप्रेशन या बाईपोलर डिसऑर्डर्स होता है उनके अंदर हमको सुसाइड कमिट करने की जो रिस्क है वो ज्यादा देखने को मिलती है हाउ एवर इन एडिशन टू मेंटल इलनेस लेकिन वहीं अगर हम बात करें मेंटल इलनेस की तो कुछ सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे एथनीसिटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑकरेंस ऑफ सीरियस लाइफ इवेंट्स दैट मे हेल्प प्रिडिक्ट सुसाइड अमंग यंग पीपल जो मेंटल इलनेस है मतलब एक तरफ मेंटल इलनेस और इसके साथ में आपका एथनीसिटी हमारे यहाँ पर जिस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है लाइफ में कुछ सीरियस इवेंट हो गया तो ये सारी चीज़ें यंग पीपल के अंदर सुसाइड कमिट करने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं मतलब मेंटल हेल्थ जो है वो भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका होना चाहिए पीपल विथ सुसाइडल टेंडेंसीज आर जनरली द वंस एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस में प्रेजेंट द फॉलोइंग सिम्टम्स तो जिन लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं उनको डिस्ट्रेस होता है और कुछ ये सिम्टम्स हमको उनके अंदर देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेस मैनेजमेंट इमोशनल एक्सप्रेशन आर हिंडर्ड ये लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते इवन प्रॉब्लम देख के ये और ज्यादा परेशान हो जाते हैं स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते मतलब ये चीजें इनको और ज्यादा परेशान करने लग जाती हैं और साथ ही साथ में इमोशनल एक्सप्रेशन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्या फील कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमेशा अपने अंदर बातें छुपा के रखते हैं ठीक है थॉट्स अबाउट सुसाइड आर हाइट अंडर एक्यूट इमोशनल डिस्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस है तो फिर आपको सुसाइडल थाट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे uh, जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल आपको कोई काम करने के लिए किसी भी चीज के लिए आपके पेरेंट्स ने मना किया था एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ ठीक है एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ इसको बिल्कुल रिलेट नहीं करना है बट आप समझ पाओगे ठीक है थोड़ा सा कोई काम करने के लिए आपको पेरेंट्स ने मना किया था कि आप ये चीज़ मत करना बट आपने वो काम कर लिया अब नाउ यू आर फीलिंग वेरी गिल्टी कि आपके पेरेंट्स ने इस काम को करने से मना किया था बट यू हैव टू डू दैट अब आपको ये भी लग रहा है कि अरे यार मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं मुझे इतनी हेल्प करते हैं मैंने ऐसा क्यों किया अभी तक आपको बहुत ज़्यादा वो वाली टेंडेंसी नहीं आई थी कि मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट नहीं था गिल्ट था पर उतना नहीं था अब आप आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया अब आप आपके पेरेंट्स को पता चल गया आपने ऐसा काम किया था सोसाइटी में धीरे धीरे पता चल गया तो धीरे धीरे करके एक इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर आने लग जाता है ना कि ये चीज़ हमने कर दी जो हमें शायद नहीं करना चाहिए था और वो ओवरबर्डनिंग जो है इमोशंस का वो भी सोसाइटल टेंडेंसीज या थॉट्स को हाइटन कर देता है स्टिग्मा अटैच्ड टू सुसाइड कॉन्स्ट्रेंट्स पीपल फ्राम सीकिंग हेल्प सुसाइड से रिलेटेड जो भी स्टिग्माज होते हैं वो और ज़्यादा हमको हेल्प लेने से रोक रहे होते हैं मतलब जैसे मान लो uh, एक एग्जाम्पल ले रहे थे मान लो मैं हूँ मेरे अंदर सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं कि मेरे से ये चीज़ होगी मुझे सुसाइड मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए अब लाइफ में कुछ नहीं बचाए इस टाइप से अब मैं इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती मैं अपनी फ्रेंड से बोलूंगी तो वो शायद डर जाएगी और वो उल्टा मुझे ही चिल्लाने लग जाएगी मैं अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में है कि बात तो कर ही नहीं सकती हूँ मतलब मैं किसी के साथ में बोल भी नहीं सकती लोग मुझे पागल करार देंगे या हो सकता है मतलब मुझे और ज़्यादा बंदिशों में करने लग जाएँ कुछ भी कुछ भी चीज़ हो सकती है ना मेरे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होने लग जाए तो ये जो स्टिग्माज होते हैं ये हमको कॉन्सट्रेन करते हैं कि हम कोई हेल्प लें किसी से लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन डेली एक्टिविटीज़ किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता सब कुछ ऐसा लगता है कि अरे हाँ ठीक है हो गया ठीक है ओके डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स और इट वर्क वर्क में या अपने एकेडमिक्स में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हो रही है अब्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल आप किसी तरीके के अब्यूजिंग सब्सटेंस जैसे कि स्मोकिंग है एल्कोहल है इसको लेने लग जाते हो आपके अंदर नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस आने लग जाती है आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो और ख़ुद को लेके बहुत ओवर क्रिटिकल हो जाते हो कि मतलब मैं मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ मेरी तो लाइफ बिल्कुल यूजलेस है और मैं मैं आगे भी कुछ नहीं कभी कर पाऊँगा और साथ ही साथ में जो है आप अपने आप को बहुत ही क्रिटिकली सेल्फ एवेल्यूएट करने लग जाऊँगी देखो मैंने वो काम किया था वो भी ऐसा हो गया मैंने ये चीज़ करी थी ये भी ऐसा हो गया तो मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ ठीक है तो ये कुछ ऑब्वियस पैटर्न्स होते हैं थॉट प्रोसेसेस के जो हमको ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं जिनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं अब जो भी इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको हेल्प की जा सकती है उनके सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ावा दे सबसे पहले एसेंचुएटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसिंग उनके लाइफ के जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हें अपनी लाइफ में पास लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी की हैं हमको उन्हें उस चीज़ के बारे में बार बार बोलना चाहिए उनको पॉजिटिव फील करवाना चाहिए अपॉचुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग फिजिकल सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स एस्टैबिशिंग ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन हेल्पिंग दम एस्टैब्लिश स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवमेंट रेलिवेंट टाइम बाउंड दैट इज स्मार्ट गोल्स फॉर दिम सेल्स मतलब हमको उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहिए कि इट इज़ लाइक कभी भी कोई चीज़ uh, की वजह से लाइफ ख़त्म नहीं होती है ना यू ऑलवेज़ हैव अपॉर्चुनिटीज़ आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और एक सोशल फैक्टर को लेके मतलब मैं एक सजेशन आपको दूँ कि uh, बहुत बार हम लोग भी ऐसे सोचने लग जाते हैं कि कोई क्या बोलेगा कोई क्या सोचेगा जब तक हम उस बारे में सोच रहे होते हैं तब तक दूसरे उस बारे में सोच रहे होते हैं हम टॉपिक को बदल देंगे दूसरा भी उस तरीके से सोचने लग जाएगा ठीक है तो ये चीज़ हमको कभी नहीं सोचनी चाहिए Uh, हमेशा ये देखना चाहिए कि फिज़िकल सोशल वोकेशनल हर एक चीज़ में हमारे पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो उस स्किल्स के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन हमारा बना रहे ठीक है मतलब ऐसा कोई हो जिसके साथ में वो पर्सन बात कर सकता है जिसके साथ में वो अपनी बातों को रख सकता है ऐसा ना हो कि वो अपने अंदर सारी चीज़ें दबा के बैठा हुआ हो उसको अपने स्मार्ट गोल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए तो अगर इस तरह के इस तरह की चीजों से हम किसी के सेल्फ एस्टीम को इनहेंस कर सकते हैं तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं क्लियर आया समझ में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन डिस्क्राइब द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट एंड अनिमरेट देयर लिमिटेशंस। सेल्फ रिपोर्ट जो मेजर्स होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो और उसके लिमिटेशंस को भी बताओ ठीक है देखो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट दैट रिक्वायर द क्लाइंट टू गिव द मोस्ट ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ देखो जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर होती है ना उसमें क्या करते हैं जो भी हमारा क्लाइंट होता है या इसमें हम पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं मतलब एक ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है पर्सनालिटी असेसमेंट का जहाँ पर क्लाइंट अपने बारे में ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज दे रहा होता है और ये ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स जो होते हैं ये मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ सेल्फ रिपोर्ट्स आप समझो ना अपने बारे में रिपोर्ट देना बट हाँ तो अब कौन कौन से सेल्फ रिपोर्ट होते हैं तो देखो एक होता है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री दैट इज़ एम एम पी आई इसको हैथवे एंड मैकनले ने डिस्कवर किया था या डेवलप किया था सॉरी फॉर साइकाइट्रिक डायग्नोसिस बट लेटर अप्लाइड टू अ वाइटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी पहले इसको उन्होंने साइकाइट्रिक डायग्नोसिस के लिए बनाया था या डेवलप किया था बाद में इसको उन्होंने साइकोपैथोलॉजी में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इसमें 567 स्टेटमेंट्स हैं और सब्जेक्ट को ट्रू या फॉल्स बोलना होता है मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको बताना क्या सही है क्या गलत है आईसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चन आए दैट इज ईपी क्यू इसको ने डेवलप किया था आ, ये दो डायमेंशन पर्सनैलिटी के टेस्ट करने के लिए बना था एक इंट्रोवर्टेड और एक एक्सट्रोवर्टेड ठीक है एंड जो इमोशनली स्टेबल या अनस्टेबल होते हैं मतलब एक इंट्रोवर्टेड एक एक्स्ट्रोवर्टेड एक इमोशनली स्टेबल या अनस्टेबल इसमें थर्टी टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं आ, बाद में इसमें एक थर्ड डायमेंशन डाला गया दैट वॉज साइकोटिसम लैक ऑफ फीलिंग्स फॉर अदर्स ठीक है तो एक इंट्रोवर्टेड एक्स्ट्रोवर्टेड हो गया एक इमोशनली स्टेबल अनस्टेबल हो गया एक साइकोटिसम हो गया थर्ड है कैटल्स 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है दैट इज 16 पी एफ इस टेस्ट को डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब इसके अंदर होते हैं और सब्जेक्ट को स्पेसिफिक सिचुएशन में बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव रिस्पोंड करना होता है मतलब आपको चॉइसिस दी जाएंगी आपको उसमें से रिस्पोंड करना है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हाई स्कूल स्टूडेंट्स और एडल्ट्स के ऊपर इसको यूज किया जा सकता है करियर गाइडेंस वोकेशनल एक्सप्लोरेशन और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में इस टेस्ट को यूज करते हैं अब इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं देखो क्या क्या होते हैं सबसे पहला सेकेंड ओपन देखो सॉरी सोशल डिजायरेबिलिटी रिफर्स टू टेंडेंसी टू सिलेक्ट रेस्पॉन्स दैट आर सोशली लाइकेबल सोशल डिजायरेबिलिटी के अंदर आप एक टेंडेंसी होती है कि आपको सिर्फ वही चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं जो सोशली लाइकेबल हैं तो अब यहाँ पर जो टेस्ट बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए कि सोशली डिजायरेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाती है या उसका एक ड्रॉबैक रहता है ठीक है एक्सेंस के अंदर क्या होता है टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सेइंग यस टू मोस्ट ऑफ द आइटम्स ज्यादातर आपने क्वेश्चन का क्या नेचर है या क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर फोकस नहीं किया बट यू आर लाइक कि हाँ हाँ ऐसा ही होता है येस दिस इज द केस येस दिस इज द केस तो ये एक सेंस होता है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस तरह की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर हम कर रहे हैं तो थर्ड है हेजिटेंट टू ओपन सब्जेक्ट सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है उसको लगता है मैं अपनी प्राइवेट फीलिंग्स को क्यों शेयर करूं तो ये कुछ इसके लिमिटेशन ठीक है।, है तो पहले सेल्फ रिपोर्ट के बारे में बताएंगे उसके थोड़े डिटर्मिनेट वगैरह और फिर उसके कुछ लिमिटेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक और क्वेश्चन है इसी में दैट इज हाउ डज द ड्यूमनिस्टिक अप्रोच कंसेप्चुलाइज पर्सनैलिटी एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सनालिटी को कंसेप्चुलाइज कैसे करता है तो थोड़ा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में हम बताएंगे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो कार्ल रॉगर्स ने और मैस्लो ने बनाया था कहीं कही ना कहीं ये एक पॉजिटिव व्यू देता है ह्यूमन बींग्स को लेकर रॉगर्स ने दो एजम्शन बनाए ह्यूमन बिहेवियर के एक ह्यूमन बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होते हैं और वर्थ वाइल होते हैं और दूसरा हम सभी हमेशा सेल्फ एक्चुलाइजेशन और एडेप्टिव बिहेवियर को चूज करते हैं मतलब कि हम हमेशा अपनी लाइफ में हमारे गोल्स होंगे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं और वो गोल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दूसरा हम हमेशा अपने एक्चुअलाइजेशन अपनी लाइफ में अपनी वर्थ और साथ ही साथ में अपने आप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं और हमारा बिहेवियर अडेप्टिव होता है अडेप्टिव इन देंस कि जिस भी इन्वामेंट में हम हैं हम उसमें अडेप्ट कर पाएँ कुछ प्रिपोजिशंस हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जैसे फुल्ली फंक्शनल इंडिविजुअल तो कार्ल रॉगर्स जो है वो फुली फंक्शनल पर्सन का आइडिया देते हैं और बोलते हैं कि फुलफिलमेंट इज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज टैलेंट्स एंड पोटेंशियल्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट मतलब हम सभी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं और जब हम उनको अटेन कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है हमारे अकॉर्डिंग बट द मतलब रियलिटी इज कि आप कभी भी वो सब कुछ जो आप चाहते हो लाइफ में उसको अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आप आज कोई चीज़ अचीव करोगे कल आपकी नई नीड आ जाएगी आप फिर कुछ करोगे फिर आपकी नई नीड आ जाएगी है ना तो जो मोटिवेशनल फोर्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो फुलफिलमेंट है और फुलफिलमेंट के लिए हम हमेशा वर्क करते रहते हैं ताकि हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती रहे तो एक फुल्ली फंक्शनल इंडिविजुअल का कंसेप्ट वो देते हैं और हम हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज टैलेंट्स पोटेंशियल्स को अपने फुलेस्ट एक्सटेंट तक एक्सप्रेस करते हैं सेकेंड उन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर एक पर्सन का अपना ट्रू सेल्फ होता है और एक आइडियल सेल्फ होता है ट्रू सेल्फ मतलब जो आप रियलिटी में हो आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो या जो आप होना चाहते हो इन दोनों के बीच में करस्पोंडेंस अगर है तो आप एक हैप्पी कंटेंडेंट लाइफ जीते हो और आपकी लाइफ में कॉन्ग्रुएंस बना रहता है लेकिन अगर इसके विपरीत हो जाता है तो आप अपने आप से डिससेटिस्फाइड रहते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके जो व्यू था रॉगर्स का वो ये था कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सोशल फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं आपकी सोसाइटी इसको अफेक्ट करती है और इसकी वजह से एक इंडिविजुअल का सेल्फ एस्टीम उसकी फीलिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें डिटरमाइंड होती हैं थेरेपी थेरेपी ही द ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड विद एन है ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कैसे पर्सनालिटी को बनाता है तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रॉगर्स और मैस्लो ने दिया कार्ल रॉगर्स ने फुल्ली फंक्शनल इंडिविजुअल की बात करी सेल्फ कंसेप्ट की बात करी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है और इसके लिए थेरेपी अगर चाहिए तो कौन सी सेंटर थेरेपी क्लाइंट सेंटर थेरेपी हमको चाहिए अब, अब अब्राहिम मैस्लो जो है वो साइकोलॉजिकली हेल्थी पीपल की बात करते हैं और बोलते हैं कि सभी सेल्फ एक्चुलाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं सेल्फ एक्चुलाइजेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने मोटिव्स को एनालाइज करते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को गवर्न करते हो हर एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाता मैसलो की थ्योरी ऑफ नीड्स हमने पढ़ी हुई है हायर आरकी ऑफ़ नीड्स मैसलो का पॉजिटिव व्यू रहता है पीपल को लेके कि पीपल हैव पोटेंशियल फॉर लव जॉय एंड टू डू क्रिएटिव वर्क एंड द रियल जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ बिगिन विद्यूट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन तो वो बोलते हैं कि हम सभी के मतलब वो एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं कि सभी के अंदर पोटेंशियल है लव जॉय क्रिएटिव काम करने का और हम सभी की जो रियल जर्नी है वो सेल्फ एस्टीम को हम अटेन करना चाहते हैं और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं है ना <coughs> सॉरी तो इस तरीके से अब्राहिम मेस्लो जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं क्लियर कोई डाउट यहाँ तक आगे बढ़े ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी कोई डाउट तो नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में आ रही ना सारी चीज़ें कैसे आपको आंसर लिखना है आ, मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बताऊँ कि सेक्शन बी जो है आपका वो वेरी शॉर्ट है आप डायरेक्ट आंसर्स लिखिए जो क्वेश्चन ने पूछा है आप सीधे उसी का आंसर दीजिए और थर्टी वर्ड लिमिट के अंदर दीजिए जो आपका सेक्शन सी है वो शॉर्ट आंसर है सिक्सटी वर्ड्स आप इसमें भी डायरेक्ट ही आंसर दीजिए कोशिश करिए आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह इंक्लूड कर लें अगर आपको लगता है जैसे मान लो उनने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी तो अब क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी किसने दी ये थोड़ा सा बता दिया और फिर आ, उसके बारे में या फिर ये बता दिया व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स या कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी ये क्वेश्चन था तो पहले थोड़ा क्लाइंट सेंटर्ड का इंट्रोडक्शन दिया और फिर उसको एक्सप्लेन किया तो ये सिक्सटी वर्ड्स वाले में करो जो आपका सेक्शन डी है लॉन्ग टाइप वन ये है कितने का बच्चों वन वर्ड्स का 120 वर्ड्स में कोशिश करो कि आप थोड़ा सा 20 30 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखो यानी जैसे जो भी थेरेपी या जो भी क्वेश्चन या जो भी डिसऑर्डर की बात हो रही है थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दो और फिर मेन पार्ट पर फोकस करो ठीक है ये हम सेक्शन डी ही कर रहे हैं जैसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पूछा तो पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन फिर कार्ल रॉगर्स ने बताया ये 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 बताया फिर मैसलो ने ये 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 बताया क्लियर तो ऐसे आप अपने आंसर को स्टार्ट करो सेक्शन डी में सेक्शन ई e पर अभी हम आएंगे उसमें बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन भी लिखना है मेन पार्ट भी लिखना है और कंक्लूजन पर भी आना है

कॉमन motives a सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप and हैव norms that regulate द बिहेवियर ऑफ members एक ग्रुप ऑर्गेनाइज सिस्टम है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का जो आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं उनके मोटिव्स कॉमन uh, है एक तरीके की रोल रिलेशनशिप उनके बीच में बनी हुई है और कुछ नॉम्स हैं जो उन सभी के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे होते हैं ग्रुप्स फॉर्म होते हैं जब लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है किसी तरीके का इंट्रैक्शन होता है प्रॉक्सीमिटी सिमिलैरिटी कॉमन मोटिवस गोल्स ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस में होता है जैसे जैसे ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट करते हैं वैसे वैसे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं ग्रुप का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे रोल्स नॉर्म्स स्टेटस और कोहेसिवनेस ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ देखो रोल्स मतलब अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो जैसे मान लो ये एक पूरा ग्रुप है इसमें छ लोग हैं तो छः लोगों का क्या काम होगा उनके क्या रोल्स होंगे ये सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन किया जाएगा इस रूल के कुछ सॉरी इस ग्रुप के कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे कुछ नॉम्स होंगे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो सभी को फॉलो करने हैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि जस्ट uh, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पर कोई भी uh, अगर एक ग्रुप है तो वो सारे छः लोगों के इंटरेक्शन से बनेगा ऐसा नहीं होगा कि ई e और एफ का इंट्रैक्शन ज़्यादा है ए या बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब ग्रुप के अंदर और ग्रुप्स फॉर्म नहीं होंगे इट मस्ट बी अ कोहेसिव ग्रुप ठीक है तो ये चीज़ सबको फॉलो करनी है एक एग्जाम्पल जैसे मान लो इनका एक रूल है कि अगर कोई मीटिंग रखी गई है तो उस मीटिंग का जो टाइम है उस टाइम पे एग्जैक्ट सभी लोग आएंगे अदरवाइज मीटिंग अटेंड नहीं करने दी जाएगी एक एग्जांपल दे रही हूँ ठीक है समझाने के लिए तो ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं ठीक है जो सभी ग्रुप मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं स्टेटस हर एक मेंबर का एक स्टेटस होगा उसको एक टास्क दिया जाएगा उसका एक अपना काम होगा कि उसको क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं जैसे कोई हेड है कोई प्रेसिडेंट है कोसिवनेस एकजुटता बनी रहनी चाहिए जब तक वो एक बाइंडिंग फोर्स रहेगी जब तक आप अपने लोगों के बारे में सोचोगे फील करोगे तभी एकता बनी रहेगी ऐसा नहीं कि आप लोग ग्रुप के अंदर भी अलग अलग हो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो ग्रुप है ही नहीं क्लियर तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन के क्लियर ठीक है ये बार बार एक्सप्लेन किया इसलिए मैंने वापस से यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजन दैन इंडिविजुअल्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये थर्टी का ही और क्वेश्चन है कि ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत बार कुछ एक्सट्रीम डिसीजनस ले लेते हैं जो शायद इंडिविजुअल्स नहीं ले पाते इसे की स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है देखो जब हम ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो हम एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं हमारे अंदर एक सेंस ऑफ एफिनिटी या कोहेशन आने लग जाता है जिस भी ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी एकजुटता ज़्यादा होगी वहाँ के मेम्बर्स ज़्यादा थिंकिंग कर सकते हैं उनका थाट प्रोसेस अच्छा होगा वो एक दूसरे को लेकर फील करते होंगे एक सोशल यूनिट की तरह काम करेंगे ना कि एक इंडिविजुअल की तरह ग्रुप्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि मतलब ग्रुप्स एक अनदर टेंडेंसी दिखाते हैं जैसे ग्रुप पोलराइजेशन कहा जाता है इसमें क्या होता है कि ग्रुप्स एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं जो इंडिविजुअल नहीं ले पाते जैसे एक एग्जांपल अ पर्सन फेवर्स रेड ओवर ब्लैक बट द होल ग्रुप फेवर्स ब्लैक ओवर रेड जैसे मैंने अभी आप आपको एक ग्रुप का एग्जाम्पल दिया था ठीक है इसमें ये ए पर्सन है बी पर्सन है सी डी ई एफ सब है को रेड कलर पसंद है ना कि ब्लैक कलर लेकिन बाकी सब ने ब्लैक कलर को ही बोला है कि हम सभी जो है वो ब्लैक कलर को ही चूज करते हैं ना कि रेड कलर को तो यहां पे एक ही बात नहीं मानी जाएगी क्यों क्योंकि मेजोरिटी विंस वाली चीज यहां पर आ जाती है देखो तो ये एक ग्रुप पोलराइजेशन का एग्जाम्पल है इनिशियल पोजिशन ग्रुप में क्या है डजन मतलब वॉट एवर द इनिशियल पोजिशन इन ग्रुप दिस पोजिशन बिकम्स मच स्ट्रांगर एज रिजल्ट ऑफ डिस्कशन इन दी ग्रुप तो अब इसे एक चीज पे ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट ए को बोल दोगे कि नहीं नहीं हम नहीं चूज करेंगे हमको तो ब्लैक ही चाहिए तो कहीं ना कहीं उसको हर्टफुल होगा तो आपको उसको डिस्कशन के थ्रू उसे कंक्लूजन तक पहुंचना है ठीक है तब जो है वो ग्रुप को भी नजर आती है ये जो स्ट्रेंथिंग होती है ग्रुप की इनिशियल पोजिशन की ये इंट्रेक्शन और डिस्कशन के थ्रू ही आती है ना एक ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब उसमें इंट्रैक्शन हो डिस्कशन हो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आप इसमें लिख सकते हो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आपकी क्लास में आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जैसे मान लो आ, टीना मीना डीना ठीक है मैं ऐसे कुछ नाम लिख लेती हूँ ठीक है पांच छह लोगों के नाम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे ये पांच लोग हो गए ठीक है अब आप लोग सब फ्रेंड्स हो आप लोग हमेशा साथ में रहते हो हमेशा साथ में लंच करते हो हमेशा पढ़ाई भी साथ में करते हो सेम कोचिंग जाते हो बट एक दिन आप देखते हो कि रॉय और आकाश के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेके मतलब बहस होने लग जाती है किसी भी चीज को लेके हो सकता है कोई बात इन दोनों के एक दूसरे की पसंद नहीं आई तो ऐसे करके मे बी आकाश ने जो है रॉय को कुछ ताना मार दिया कुछ टॉन्ट कर दिया जो उसको नहीं पसंद था तो दोनों के बीच में बहस होने लगी ठीक है अब अगर ऐसा होता है कि रॉय अलग चला जाए और आकाश अच्छा अलग चला जाए ठीक है दोनों ने आपस में बहस बहस कर ली लड़ाई कर ली और अब दोनों के दोनों अलग हो जाए और टीना और रॉय का घर आसपास में ही था तो ऑब्वियस है कि टीना भी रॉय के ही साथ में चली गई और प्रियंका जो है वो आकाश के साथ में चली गई और मी, ये जो मीरा है क्या नाम लिखा है मैंने इसका मीरा चलो मीरा मान लेते हैं ये मीरा भी जो है टीना के ही साथ में चली गई क्योंकि टीना और मीरा की थोड़ी सी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी अब आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रुप में डिवीजन हो गया ठीक है अब टीना मीरा और प्रियंका सोच रहे हैं कि रॉय और आकाश को जो है कैसे दोनों की दोस्ती करवाएं दोनों की बात करवाएं बट दोनों जो है नहीं आते हैं बात करने को डिनाई कर देते हैं ऐसे में मे प्रियंका टीना को बोल देती है ठीक है तुम उसको मना नहीं पाई तुम रॉय को ब, बोल नहीं पाई कि वो हमारा फ्रेंड है उसको आना चाहिए बात करने के लिए वो तुम्हारे घर के पास में रहता है तो टीना और प्रियंका की भी लड़ाई हो गई ठीक है तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे जो ये एक पूरा ग्रुप था ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ट्रस्ट इशूज एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है ना टीना प्रियंका को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है रॉय और आकाश की लड़ाई हुई ऊपर से टीना प्रियंका की भी हो गई फिर सब अलग अलग चले गए तो ये कहीं ना कहीं कोहेसिवनेस को नहीं दिखाता लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों की लड़ाई हुई थी तो यहाँ यहां पे ये तीनों साथ में आती हैं इनकी लड़ाई को शांत करवाती हैं ठीक है ठीके? और पूरी कोशिश करती है कि दोनों आपस में बात कर लें नहीं बनती है तो एक दो दिन बाद वापस से ट्राई किया जाता है क्योंकि वो ग्रुप इतना अच्छा था कि रॉय और आकाश ज्यादा दिन तक अलग रह ही नहीं पाए और आपस में साथ में आ गया अब ये ग्रुप इतना अच्छा कैसे बनेगा अगर इसमें पॉजिटिविटी रहेगी अगर इसमें जो है कोहेसिवनेस रहेगी अगर सब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे हमेशा से सबने जो है मतलब अच्छे मूवमेंट्स स्पेंड किए होंगे तो ये दोस्ती बनी रहेगी अदरवाइज ये ग्रुप क्या हो जाएगा टूट जाएगा तो ऐसे ही आपके ग्रुप्स जो है आपके स्कूल्स में आपकी क्लासेस में सब जगह पर होते हैं है ना और ये आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं हेल्प करते हैं उस ग्रुप मतलब आपको भी ग्रो करने में तो ग्रुप स्ट्रेंथनिंग जो है वो ग्रुप इंट्रैक्शन और डिस्कशन के थ्रू होती है अब ये एक चीज़ क्या कर सकती है कभी कभी डेंजरस हो सकती है ग्रुप के लिए डेंजरस इन द सेंस मतलब पॉजिटिव सेंस में ही क्योंकि एक बहुत वीक ग्रुप जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग इंट्रैक्टिंग ग्रुप हो सकता है और ये तभी हो सकता है जब लाइक माइंडेड पीपल हो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया तो ये सभी जो है ये सभी व्यूज ये इंट्रैक्शन जो है ग्रुप को स्ट्रांग बनाते हैं इसके फर्म कन्विक्शन के तीन रीजन्स होते हैं सबसे पहले इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल यू आर लाइकली टू हियर न्यूअर आर्ग्यूमेंट्स फेवरिंग योर व्यू पॉइंट्स दिस विल मेक यू मोर फेवरेबल टूअर्ड्स योर सेल्फ देखो क्या होता है कि जैसे आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको अप्रीशिएट कर रहे हैं या जो आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके थॉट्स को और जो है मतलब लीगलाइज uh, करेंगे हाँ आप जो चीज़ बोल रहे हो वो सही है आपको ये काम करना चाहिए तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो जाता है तो इसीलिए ग्रुप्स जो हैं वो एक्सट्रीम डिसीजंस ले पाते हैं जो शायद इंडिविजुअल्स ना ले पाए तो ये हमको एग्जांपल के थ्रू यहां पे एक्सप्लेन करना है एग्जांपल यहां मैंने छोटा सा दिया है रेड और ब्लैक वाला आप और बड़ा कोई सा भी दे सकते हो जो भी आपको बेटर सूट करे क्लियर ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन डी स्टर्नबर्ग्स ट्रायरक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज बाई स्टर्नबर्ग स्टर्नबर्ग जो हैं वो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होता है इंटेलिजेंस को लेके इसको जस्टिफाई करो और एलिमेंट्स बताओ इंटेलिजेंस के जो स्टर्नबर्ग ने बताए थे तो जो हमने पूरी ट्रायार्किक थ्योरी पढ़ी है वो यहाँ पे बता देनी है सबसे पहले बताएंगे स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं एज द एबिलिटी टू अडेप्ट शेप एंड सिलेक्ट इन्वायरमेंट टू अकम्पलिश वंस गोल्स एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर जहाँ आप अपने अपनी सोसाइटी अपने कल्चर के गोल्स को और खुद के बारे में भी एकाम्पलिश uh, करने के बारे में सोचते हो और अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट शेप सेलेक्ट कर लेते हो वो इंटेलिजेंस होता है इस थ्योरी में कुछ मतलब इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द नोशन कि इंटेलिजेंस जो है वो कुछ कल्चरल फैक्टर्स के थ्रू आती है ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के तीन का एलिमेंट्स हैं एक है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस दूसरा है आपका एक्सपीरियंशियल e इंटेलिजेंस तीसरा है आपका कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस देखो जो आपका कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं आप हमेशा चीज़ों को एनालाइज करते हो जो भी चीज़ आपके साथ में हो रही है यहाँ पर आप एनालिटिकली क्रिटिकली सोच रहे होते हो और जो भी ऐसा काम करते हैं वो जनरली अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जैसे स्मार्ट वर्क करना बिजनेस जो प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं दे आर ऑलवेज डूइंग दिस एनालिटिकल थिंकिंग और ये जो एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है यही मतलब इसी को हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं अब ये जो आपका कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है इसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं नंबर नंबर नॉलेज आपको कोई काम करना है तो किस तरह से करना है एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट के अंदर होता है कि आप उस वर्क को फिर एग्जीक्यूट करो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उस काम को करने के लिए पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो दैट इज नॉलेज एक्वीसी फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे उस काम को इंप्लीमेंट कर दोगे दैट इज योर एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट फिर उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस को देखा जाएगा दैट इज योर परफॉर्मेंस कंपोनेंट तो ये सारी चीजें एनालाइज की जाएंगी ओके एट लास्ट तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं मैंने सिर्फ नेम लिखे हैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है मुझे याद है मैंने जब आपको चैप्टर में पढ़ाया था तो मैंने एक पूरी फ्लो चार्ट बनवाई थी ठीक है जैसे ऐसे बनवाई थी आ, कि तीन तरह के जो है एक कंपोनेंशियल हो गया एक आपका एक्सपीरियंशियल हो गया एक आपका हो गया, ठीक है? है ये तीन तरह के जो कंपोनेंट्स है होते हैं और इसमें जो आपका कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है उसके अंदर मान लो ये कंपोनेंशियल है तो थ्री और आएंगे जैसे नॉलेज एक्सिशन इंप्लीमेंटेशन एंड देन या एग्जीक्यूशन एंड इस तरीके से हमने पूरी ट्रायार्किक थ्योरी के पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था आपको भी फ्लो चार्ट बना के ही एक्सप्लेन करना है ठीक है नेक्स्ट यू हैव एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर क्या होता है आप आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो या डिसीजन मेकिंग करते हो ठीक है तो दैट इज योर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसको सारा यूज करके इंटीग्रेट करके प्रेजेंट से रिलेट करके और फिर कोई न्यू डिस्कवरी करना ओके okay, सो so जो लोग हाई होते हैं इंटेलिजेंस में वो इसको यूज कर पाते हैं लास्ट इज योर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है इट रिफर्स टू वंस एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल नीड्स डिमांड्स पीपल हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसो दे अडेप्टलेक्ट और मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट कंफर्टेबली तो जो भी जिनके अंदर भी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो लोग क्या करते हैं अपने आस पास में उनके इन्वायरमेंट से जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल कर पाते हैं अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट सिलेक्ट और मॉडिफाई हो पाते हैं मतलब उस इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट करना हमें किस इन्वायरमेंट में रहना है उसको सिलेक्ट करना और फिर उसको मॉडिफाई करना ठीक है मतलब अगर उसमें कुछ चेंजेस हमको लाने हैं तो वो हम लेकर आए तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्लियर तो ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं ये आपको पूरी ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है मैं अगेन बोल रही हूँ मतलब वापस बता रही हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताया है आपको उसको डिटेल में बताना है क्लियर कोई डाउट तो नहीं यहां तक ठीक है ओके नाउ यू हैव सेक्शन ई एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सबसे अच्छा सेक्शन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर टू बट इसमें आपको कभी चॉइस मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको इसको आंसर करना है टू हंड्रेड वर्ड्स में कितने वर्ड्स में टू हंड्रेड वर्ड्स में अब जब मैंने आपको भी जैसे बताया था कि जब हम 200 हंड्रेड वर्ड में किसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो हम हमेशा उसका एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे फिर हम उसकी मेन पार्ट ऑफ बॉडी लिखेंगे फिर हम उसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे इस बीच में हम अपने आंसर के अंदर ढेर सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करेंगे फ्लो चार्ट बनाएंगे आंसर में हाईलाइट्स करेंगे जहां हमको लगता है डायग्राम या ग्राफ बन सकता है वहां पर हम इस एक चीज को भी यूज करेंगे क्लियर तो मतलब आपको एक फुल फ्लेज आंसर लिखना है पूरा फुल लेंथ आंसर लिखना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके अंदर इंक्लूड करना है ओके okay? तो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका सो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू से इज मैनी सोसाइटीज रिफ्लेक्ट प्रिजुडाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स एंड सजेस्ट अ फ्यू स्ट्रैटेजीज टू हैंडल प्रिजुराइज ज़्यादातर जो सोसाइटीज होती हैं वो प्रिजुडाइज़ेस को रिफ्लेक्ट करती हैं मतलब रिलीजन के नाम पे प्रिजुडाइज्ड बिहेवियर करती हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट में जो है हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं रिलीजन के नाम पे गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स एंड सजेस्ट अ फ्यू स्ट्रेटेजीज टू हैंडल प्रेजुडाइजेस कुछ एग्जाम्पल दो और फिर स्ट्रेटजीज़ बताओ कि कैसे प्रिजुडाइज़ेस को हैंडल किया जा सकता है क्लियर अब पहले क्या बताएंगे प्रिजुडाइजेस क्या होते हैं तो प्रिजुडाइजेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप दे आर यूजुअली नेगेटिव एंड इन मैनी केसेस मे बी बेस्ड ऑन स्टीरियो टाइप्स अबाउट द स्पेसिफिक ग्रुप देखो जो prejudices होते हैं ना वो क्या होते हैं एटीट्यूड्स किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके मोस्ट ऑफ टाइम्स और यूजुअली ये नेगेटिव ही होते हैं और बहुत सारे केसेस में स्टीरियोटाइप्स पर ही बेस्ड होते हैं स्टीरियोटाइप्स मतलब कॉग्नेटिव कंपोनेंट अबाउट द स्पेसिफिक ग्रुप ठीक है इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी दिए थे कि जैसे हमारे यहाँ पे प्योरिटी पॉल्यूशन का नोशन था कास्ट सिस्टम को लेके आप एग्जाम्पल में बता सकते हो इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम प्रिविलेंट था अभी भी है पहले के समय में इस कास्ट सिस्टम के अंदर प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का नोशन हुआ करता था कि कुछ लोग बहुत ही प्योर हैं, कुछ लोग बड़े ही पॉल्यूटेड हैं तो प्योर कैटेगरी के अंदर जो अपर कास्ट होते थे उन्हें रखा जाता था और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट होते थे उन्हें पॉल्यूटेड में रखा जाता था सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि ये किसने बनाया ये सब सोसाइटी ने बनाया ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं करता था लाइक like, अनटचेबल्स है ना तो उन सभी को पॉल्यूटेड में रखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये लोग पॉल्यूटेड हैं तो अगर कोई भी लोअर कास्ट पर्सन आपके टच में आ जाता है अपर कास्ट पर्सन के या फिर टेम्पल uh, में एंट्री कर लेता है, है ना तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा मतलब अपवित्र माना जाता था ओके okay? उसको क्या माना जाता था अपवित्र

और आप उसको पसंद नहीं करते हो डिस्क्रिमिनेशन भी लाते हैं जैसे अभी हमने देखा। मेंबर ऑफ द ग्रुप और लोग जो हैं, उसके अगेंस्ट नेगेटिव होने लग जाते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था पहले हम एक क्या देंगे इंट्रोडक्शन अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है कि ज्यादातर सोसाइटीज जो हैं वो प्रिजुडाइजेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इसको एक्सप्लेन करो तो बात प्रिजुडाइजिस की हुई इसलिए हमने एक हमारा इंट्रोडक्शन जो दिया उसमें हमने प्रिजुडाइजेस को एक्सप्लेन कर दिया अब उन्होंने बताया कि ये रिलीजन के बेसिस पर भी होते हैं तो इसमें आप एक और एग्जाम्पल भी दे सकते हो और एग्जाम्पल देते हुए इसको एक्सप्लेन भी करोगे कि प्रिजुडाइजेस जो रिलीजन के अगेंस्ट या रिलीजन को बेसिस बना के होते हैं दीज आर एज फॉलोस नंबर वन जैसे कि जो जीनोसाइड कमिट किया गया था बाय द नाजीज इन जर्मनी अगेंस्ट ज्विश पीपल वो हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन जो है लेकर आया मतलब जो जर्मनी में नाजी पीपल थे हिटलर के रूल हिटलर का रूल चल रहा था जो नाजी लोग थे वो ज्विश लोगों को जो है मतलब बहुत ही सवॉर्डिनेटेड समझते थे और फिर उनके साथ में जो है बहुत ही ज्यादा एट्रॉसिटीज होती थी डिस्क्रिमिनेशन होता था अल्टीमेटली एट लास्ट एक जीनोसाइड कमिट किया जाता है ठीक है फिर इसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो प्रिजुडाइज नॉन व्हाइट पीपल के अगेंस्ट में हुआ इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अफ्रीका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका अफ्रीका जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी तो अब ब्रिटिशर्स वाइट पीपल एफ्रीकन्स नॉन वाइट तो ये लोग क्या करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में किया करते थे ठीक है ये क्या करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उन लोगों के साथ में किया करते थे इसका एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो ठीक है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में इतने सारे रिलीजियस डाइवर्सिटी है अब फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल मान लो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा माना जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू रिलीजन से जितने भी लोग आएंगे उन्हें ही जॉब पर रखेंगे कोई भी अगर मुस्लिम रिलीजन से आता है तो हम उसको ये बोल के मना कर देंगे कि हमारे यहाँ पर या हमारी कंपनी में वैकेंसी नहीं है तो ये आपने उस कम्युनिटी को लेके एक प्रिजुडाइज बना रखा है और उसकी वजह से आप जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और बहुत बार ये प्रिजुडाइजिस रिलीजन के बेसिस पर होते हैं इसके एग्जांपल्स हमने बता दिए वाइट और नॉन वाइट वाला भी जो है हमने यहाँ पर बता दिया जिसकी वजह से सेपरेट एजुकेशनल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फॉर द ब्लैक्स एंड वाइट्स जो है वो डेवलप होती है को लेकिन कम किया जा सकता है देखो आंसर में हमको क्या क्या लिखना था पहले एक इंट्रोडक्शन देना था तो वो हमने प्रिजुडाइज पर दे दिया फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये रिलीजन के बेसिस पर होते हैं इसका एग्जाम्पल दो तो हमने एग्जाम्पल दे दिए मैंने कम से कम चार एग्जाम्पल्स आपको दे दिए आपने एग्जाम्पल दे दिए उसके अब उन्होंने बोला इस प्रिजुडाइज को मिनिमाइज कैसे करेंगे तो अब हम उसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं कि प्रिजुडाइजिस को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रिजुडाइसेस, चेंजिंग सच एटीट्यूड्स डी एम्फेसाइजिंग अ नैरो आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इनग्रुप एंड डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टूवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी अमंग द विक्टिम्स ऑफ प्रिजुडाइज प्रिजुडाइज को कम ऐसे किया जा सकता है कि हम लोगों को सिखाएं कि उन्हें किसी भी मतलब लर्निंग उनके अंदर होनी चाहिए कि आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी को भी लेके किसी तरह का कोई प्रिजुडाइज जो है वो क्रिएट नहीं करना है अपने एटीट्यूड को चेंज करना है आपकी जो एक ये नैरो सोशल आइडेंटिटी है इसमें आप चेंजेस लेकर और इस तरीके से किया जा सकता है इसके कुछ स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जैसे सबसे पहले एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन इसमें देखो आपका जो फर्स्ट है वो क्या हो गया एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसामिनेशन आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करके और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो ये स्टीरियोटाइपिंग की जाती है उसको रोक सकते हो और जो भी प्रॉब्लम है किसी ग्रुप में या ग्रुप वाइज अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि लोग जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा अवेयर होंगे इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचेगी तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे किसी को लेके जनरली ये काम नैरो माइंडेड पीपल करते हैं तो हमको ये नैरो माइंडेडनेस रखनी ही नहीं है क्लियर दूसरी चीज़ है इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट अगर हम किसी ग्रुप के अंदर जैसे ये कोई एक ग्रुप है अगर हम इसके अंदर जो कांटेक्ट हैं उसको इंक्रीज करें मतलब ग्रुप के अंदर के लोगों के बीच में जो कांटेक्ट है अगर हम उसको बढ़ाएंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम अलाउ करेंगे जैसे मान लो कि अभी कैसा कम्युनिकेशन होता है फॉर एग्जांपल ये हेड है ग्रुप का ये इंचार्ज वन ये इंचार्ज टू ये इंचार्ज थ्री इसके अलावा ये कुछ लोग हैं जो टॉप लेवल्स पे हैं टॉप मतलब इनका ग्रुप में हाई स्टेटस है इसके अलावा जितने भी आते हैं आपके या मैं नंबरिंग कर देती हूं। देखो अब है तो ये पूरा ग्रुप लोगों का ये सब लोग मतलब ये सब पर्सन है एच बी पर्सन है आई वन आई टू ये सब पर्सन है अब ग्रुप के अंदर होता क्या है किसी एक को हेड बना दिया जाता है कि ये ग्रुप का हेड होगा ये बाकी तीन उसके इंचार्ज हैं वो जो भी काम बोलेगा इन लोगों से बोलेगा और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे ये जो इंचार्ज इन हैं इनके बाद में ये जो यहाँ पे सिक्स पर्सनस हमको दिख रहे हैं ये इंचार्ज के अंडर काम करते हैं और ग्रुप के अंदर सारी एक्टिविटीज को जो है देखते हैं बाकी सब जो है ग्रुप में नॉर्मल पर्सनस है अब जैसे मान लो थ्री को कोई इशू है तो वो पहले किसको बोलेगा ई को बोलेगा फिर ई e क्या करेगा उस बात को इन सब में बताएगा फिर अगर ये सब एग्री होंगे तो ये मान लो किसी एक इंचार्ज को बताते हैं अब ये इंचार्ज अपने बाकी दोनों इंचार्ज के साथ में डिस्कस करेगा अगर उसे सही लगता है तो फिर वो बात हेड तक पहुंचेगी नहीं तो यहीं पर ही सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा ऐसे में क्या हो रहा है ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस नहीं आएगी और फिर धीरे धीरे करके ग्रुप के अंदर डिविजन हमको देखने को मिलेंगे और ये डिवीजन धीरे धीरे करके क्या करेंगे ग्रुप को और ज्यादा डिवाइड कर देंगे क्या कर देंगे ग्रुप को डिवाइड कर देंगे कुछ ग्रुप के ही अंदर और ग्रुप्स बन जाएंगे जैसे मान लो ये कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया ये कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया ये यह यहाँ पे इनका कुछ एक ग्रुप बन गया ऐसे करके तो कोहेसिवनेस तो बची ही नहीं तब जाके फिर प्रिजुडाइजेज और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं फिर डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता है और सब कुछ तो हमको इसको कंट्रोल करना है हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ करना है रिमूवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ग्रुप्स एंड इवन डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज इन दी आउट ग्रुप हाउ एवर दीज स्ट्रेटजीज आर सक्सेसफुल ओनली इफ ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है ठीक है रिमूवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ग्रुप्स और इवन डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन द आउट ग्रुप ये जो सारी चीज़ों की वो बात कर रहे हैं ये कुछ स्ट्रेटजीज सिर्फ तभी सक्सेसफुल होंगी जब दो ग्रुप्स कोऑपरेटिव मैनर में मीट आउट करेंगे ना कि कॉम्पिटेटिव ग्रुप्स के बीच में क्लोज इंट्रैक्शन होगा और जो दोनों ग्रुप्स हैं वो पावर या स्टेटस में एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे ये मैंने आपको ग्रुप के अंदर की बात बताई दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है अगर इन तीनों के बीच में इंट्रैक्शन बना रहेगा ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं बल्कि कॉपरेट करेंगे तो इनके बीच में कोहेसिवनेस बढ़ेगी अदरवाइज सब एक दूसरे के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन या प्रिजुटाइजेस करना स्टार्ट कर देंगे थर्ड थिंग है हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन ग्रुप आइडेंटिटी वीकनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप एज अ बेसिस ऑफ इवेल्यूएटिंग द अदर पर्सन अगर हम ग्रुप से ज्यादा इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा कि ग्रुपिज्म वाली जो चीज़ है वो खत्म होगी और आप किसी दूसरे पर्सन के साथ में जैसे मान लो यहाँ पे ये तीन लोग हैं यहाँ पे ये तीन लोग हैं यहाँ पे ये तीन लोग हैं अगर ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो सेवन नंबर पे जो इंसान है ये बड़ा ही क्लेवर है तो ये अपने दोस्तों को उसके बारे में बताएगा और ये सब मिल उसको बुली करने स्टार्ट कर देंगे फिर इनके फ्रेंड्स भी आपस में साथ में आ जाएंगे तो ऐसे करके कंपटीशन बढ़ने लग जाएगा लेकिन अगर तो ये ग्रुपिज्म वाली चीज़ को थोड़ा सा कम करते हुए हमको इंडिविजुअलिटी के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए क्लियर तो प्रिजुराइजिस क्या होते हैं वो हमने बताया हमने बताया उसके एग्जाम्पल्स हमने बताया प्रिजुडाइजिस को कैसे कम किया जा सकता है इसके अलावा एजुकेशन देनी होगी अवेयरनेस लानी होगी गवर्नमेंट को भी जो है अपनी तरफ से आगे स्टेप्स लेनी होंगी सोसाइटी के अंदर अगर ग्रुप वाली चीजें हैं तो उसको हमको कैसे कम करना है ये भी हमने बता दिया क्लियर लास्ट में कंक्लूजन कि प्रिजुडाइजिज आर नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी और इवन एनी ग्रुप दीज हैव टू बी बिमूव फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज दिस शोज दी नैरो माइंडेडनेस ऑफ दी पर्सन एंड सच काइंड ऑफ सोसाइटी कैन नेवर ग्रुप क्लियर लिख पाएंगे इतना ठीक है आगे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू के और में मतलब एक क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन थर्टी टू का और इसी का और में एक और क्वेश्चन है डिफाइन एटीट्यूड इलेबरेट इट्स कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज एटीट्यूड को डिफाइन करना है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपको बताना है तो हम बताएंगे कि एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है एक सेट ऑफ व्यूज है थॉट्स है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जिसका इवेल्यूएटिव नेचर होता है ठीक है मतलब कि आ, आपका जो एक एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेके जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप किसी शॉप पर थे और आप कुछ खा रहे थे ठीक है मे बी आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है आप नूडल्स खा रहे थे आप खा रहे थे आपने देखा कि वहाँ से कोई बेगर का बच्चा आता है और वो जस्ट आपको देखता रहता है और थोड़े टाइम बाद मतलब उसको भी भूख लग रही होती है आप उसको देख के समझ जाते हो एक तो एटीट्यूड ये होता है कि ए तुम मुझे क्यों देख रहे हो तुम जाओ यहां से मेरे पास में नहीं आना और आप उसको गुस्सा करके भगा दो दूसरा एक ये होता है कि अगर वो देख रहा है मुझे तो हो सकता है कि वो आज भूखा हो तो उसके लिए भी आपने एक नूडल्स की प्लेट ली और आपने उसको भी ऑफर कर दी तो आपका एटीट्यूड कैसा है आप चीज़ों को किस नज़र मतलब आपका एक थाट प्रोसेस कैसा है आपका एक विजन क्या है चीज़ों को ले के? आपके थाट्स कैसे हैं आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है किसी भी टॉपिक को ले जिसमें एक इवेल्यूएटिव फीचर हो कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है या न्यूट्रल क्वालिटी क्या है दैट इज़ योर एटीट्यूड अब इसके कंपोनेंट्स और प्रॉपर्टीज बतानी है तो देखो एटीट्यूड जो होता है ना उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं ए बी सी दैट इज एंटीसीडेंट दीज कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स आर द ए बी सी कंपोनेंट्स दैट इज योर अफेक्टिव बिहेवियरल एंड कॉग्नेटिव कंपोनेंट्स ये क्या है आपके ए बी सी

अभी आप उसको फॉर्म कर रहे हो लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसका एटीट्यूड ऑलरेडी फॉर्म्ड है या आप ही के अंदर कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है आप उसमें कभी कोई चेंज नहीं लाओगे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होगी या उसकी वैल्यूज का पार्ट बन जाएगी जो आपके फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स हैं एज कंपेयर टू दी फॉर्मेटिव स्टेज ठीक है तीन कंपोनेंट्स में इसके एबीसी कंपोनेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है कि एक अफर्मेटिव होता है अफेक्टिव uh, होता है एक बिहेवियरल होता है एक कॉग्निटिव होता है तो वो आप पूरा यहां पर एक्सप्लेन करोगे प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो चार प्रॉपर्टीज होंगी वैलेंस, एक्सट्रीमनेस सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी ठीक है तो ये चार प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर देंगे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया पहले आप क्या बताओगे इंट्रोडक्शन में एटीट्यूड क्या होता है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे इसको थर्टी थर्टी फाइव वर्ड्स में थोड़ा सा हाँ थर्टी थर्टी फाइव वर्ड्स में इसको करेंगे देन विल हैव कंपोनेंट्स कोशिश करो कंपोनेंट्स को आप हंड्रेड वर्ड्स में कंप्लीट कर रहे हो और जो प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स हैं ठीक है ठीके? इसको भी आप कोशिश करो कि आप इसको सेवेंटी वर्ड्स के आसपास में कंप्लीट कर दो ठीक है एक दो लाइन का हमारा कंक्लूजन हो जाएगा क्लियर टू ट्वेंटी इतना जाएगा, के अंदर क्या होता है पॉजिटिव और वैलेंस ऑफ एन और नेगेटिव

एक्सट्रीमनेस बताता है कि आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है अगर वन रेटिंग है तो एक्सट्रीम है दो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन रेटिंग ऑफ टू एंड फोर आर लेस एक्सट्रीम टू या फोर है दैट मीन्स लेस एक्सट्रीम है ठीक है यहाँ न्यूट्रल है एटीट्यूड लोएस्ट ऑन एक्सट्रीमनेस तो इस तरीके से एक्सट्रीमनेस जो है वो शो की जाती है कि आपका एटीट्यूड कितने एक्सट्रीम है सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी में आप बताओगे कि हाउ मैनी एटीट्यूड्स देयर आर विद इन अ ब्रोडर एटीट्यूड जैसे ये आपका एटीट्यूड है इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जैसे कि एंड एटीट्यूड सिस्टम इज सेट टू बी सिम्पल इफ इट कंटेन्स ओनली वन और फ्यू एटीट्यूड्स एंड कॉम्प्लेक्स इफ इट इज मेड अप ऑफ मनी एटीट्यूड्स अगर आपके अंदर एक दो एटीट्यूड क्वालिटी है तो सिंपल एटीट्यूड है अगर पाँच छह है और ज्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स है जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेंटल हेल्थ व्यूज अबाउट हैप्पीनेस एंड वेलबींग एंड बिलीव अबाउट हाउ वन शुड अचीव हेल्थ एंड हैप्पीनेस जैसे अगर आप हेल्थ और वेलबींग की बात करते हो तो उसमें सेवरल मेंबर एटीट्यूड्स होते हैं जैसे कि आ, आप फिजिकल मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो आप हैप्पीनेस या वेलबींग well की बात कर रहे हो या आप हेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात कर रहे हो क्लियर सो हाउ एवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन इज लाइकली टू कंसिस्ट ऑफ मेनली वन एटीट्यूड लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आपका कोई एटीट्यूड होता है तो वो एक ही तरह का होता है जैसे आपका फ्रेंड है तो आपके फ्रेंड को लेकर आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्लियर ईच मेंबर एटीट्यूड दैट बिलोंग्स टू एन एटीट्यूड सिस्टम ऑल्सो हैज ए बी सी कम्पोनेंट और हर एक मेंबर एटीट्यूड के अंदर ए बी सी कम्पोनेंट होता है दैट इज योर अफेक्टिव बिहेवियर एंड कॉग्नेटिव कम्पोनेंट फोर्थ वन इज योर सेंट्रालिटी सेंट्रालिटी का मतलब क्या होता है रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन दिस्टम मच मोर दैन नॉन सेंट्रल एटीट्यूड वुड एन एटीट्यूड विद ग्रेटर सेंट्रालिटी वुड इन्फ्लुएंस अदर एटीट इन दिस्टम मच मोर दैन नॉन सेंट्रलिट्यूड फॉर एग्जाम्पल in the attitude towards world peace a negative attitude towards high military expenditure may be present as a core or central attitude that influences all other attitudes in the multiple central attitudes as the whole world अब इस वर्ल्ड में हमको शांति बनाए रखनी है तो शांति बनाए रखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा जो है आर्म्स की ज़रूरत नहीं है हमको बहुत ज़्यादा जो है मिलिट्री में एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है कि मिलिट्री में जो है हम खूब सारी गन्स जो है लेकर आएँ और बहुत सारे वेपन्स वगैरह हमारे पास में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए ये सेंट्रल एस्पेक्ट क्यों है क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे पीस बना रहेगा क्लियर तो वर्ल्ड पीस की अगर हम बात करते हैं तो हमको इन सारी चीजों को हटा देना चाहिए तो सेंट्रलिटी मतलब कि आपके पूरे थॉट में से एक सेंट्रल आइडिया जहां पर कोर जहां पर सारी चीजें हैं, इज इट क्लियर टू यू लिख पाएंगे ठीक है इसमें देखो फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हो आपने लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड ठीक है देखो ऐसे बादल बादल बना दे हैं यहाँ पे और फिर आपने यहाँ पे लिखा सेंट्रलिटी okay? फिर आपने यहां सिमिलैरिटी वो वाला आपने मतलब जो कॉम्प्लेक्स जो सॉरी प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे लिख दी थर्ड वन यहाँ पे लिख दी फोर्थ वन यहाँ पे लिख दी क्लियर और इसको बना के ऐसी साइड में कहीं पे और फिर आप अपने बाकी चीजें लिख दो क्लियर कोई डाउट तो नहीं है यहां तक ठीक है और जैसे एबीसी कंपोनेंट है तो वो भी आप लिख सकते हो आपने लिखा कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड ठीक है ये ए ये बी और ये सी यहां पे लिखा आपने अफेक्टिव यहां पे लिखा बिहेवियरल यहां पे लिखा कॉगनेटिव सिंपल सा छोटा छोटा सा थोड़ा सा इफेक्टिव दिखता है ठीक so so, है है तो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन सी आई आपको क्लियर कि सेक्शन ई e में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है डिटेल में लिखना है फुल लेंथ आंसर लिखना है तो सारी चीजों को इंक्लूड करो फ्लो चार्ट वगैरह बनाओ आई होप सो क्लियर है नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर फोर सेक्शन एफ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दो केस स्टडी हैं केस स्टडी वन केस स्टडी टू केस स्टडी वन में से थर्टी थ्री और थर्टी फोर क्वेश्चन पूछेंगे इसमें थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स क्वेश्चन पूछेंगे टोटल फोर क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फॉर टू मार्क्स मतलब मार्क्स टोटल वर्ड लिमिट ठीक है टू मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं थर्टी वर्ड्स में आपको आंसर करना है केस स्टडी पढ़ो और आंसर दो ओके okay, देखो केस स्टडी वन द एविडेंस फॉर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस कम्स मेनली फ्रॉम स्टडीज ऑन टॉप्टेड चिल्ड्रन जो हेरिडिटी आपकी जो मतलब जो हेरिडिटरी होती है वो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है ये ट्विंस और एडॉप्टेड चिल्ड्रन की स्टडी करने के बाद हमको पता चला हेरिडिटी कैन बी विज बेस्ट व्यूड एज दैट सेट्स आरेंज विद इन विच एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज एक्चुअली शेप्ड बाई द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इनवाट हेरिडिटी का मतलब जो है मतलब हेरिडिटी जो है वो आपको एक रेंज सेट कर देती है कि किसी गिवन इन्वायमेंट के अंदर अगर सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप कितना ज्यादा ग्रो करोगे जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स की हाइट है फाइव इंच ओके तो आपकी हाइट भी फाइव इंच ही होगी लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इन्वायमेंट मिल जाता है जहां पर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर सकते हो जिम वगैरह कर सकते हो तो थोड़ी आपकी हाइट फाइव तक हो सकती है क्लियर तो ये हैरिडिटी है और ये इन्वायरमेंट है दिस इज योर नेचर एंड दिस इज योर नर्चर अनदर लाइन ऑफ एविडेंस कम्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ एडॉप्टेड चिल्ड्रन दूसरी दूसरा एविडेंस हमको एडॉप्टेड चिल्ड्रन से देखने को मिलता है जो ये बताते हैं कि जनरली जो लोग जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं दे आर मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल राट्स अगर कोई अडोप्टेड बच्चा है उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है दैट मीन्स कि उसके पेरेंट्स के अंदर इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा था ना कि जिन्होंने उसको एडॉप्ट किया है उनकी वजह से इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है क्लियर सो दैट इज योर वॉट नेचर तो नेचर और नर्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नेचर नर्चर के अंदर हम बोलते हैं मतलब जो आपका नेचर है वो हैरिडिटी में आ जाएगा ठीक है विद इन विच एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज एक्चुअली शिप्ड बाई द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वायरमेंट तो इन्वायमेंट आपका नर्चर में आ जाएगा क्लियर अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन हैं आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हाउ डज नेचर इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल नेचर कैसे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो हम बताएंगे कि जो इंटेलिजेंस होता है आइडेंटिकल ट्विंस जिनको साथ में जिनकी रेयरिंग होती है वो 0.90 आता है और जिन ट्विंस को सेपरेट कर दिया जाता है अर्ली चाइल्डहुड में वो कंसिडरेबल सिमिलैरिटी शो करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इन शॉर्ट नेचर कैसे इन्फ्लुएंस कर इंटेलिजेंस को तो इसकी स्टडी हमने करी थी ट्विंस पर एक आइडेंटिकल ट्विन होते हैं एक आपके फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं जब हमने इनको साथ में रखा ट्विंस को ठीक है तब हमने देखा कि इनका जो इंटेलिजेंस है वो 0.90 पॉइंट को रिलेट कर रहा है लेकिन जब हमने इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया तब हमको इनका इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है मे uh, बी जो इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रिल्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को रिलेट जीरो पॉइंट सेवन टू फ्रेटर्नल ट्विंस जिनको साथ में रखा इनका जीरो पॉइंट सिक्स जीरो आता है ब्रदर्स और सिस्टर्स जिनको साथ में रखा गया था उनका 0.50 आता है बल्कि वो सिब्लिंग्स जिनको साथ में रखा गया ये दोनों को अलग अलग रखा गया था ठीक है सॉरी रियर टुगेदर हाँ और जो सिब्लिंग्स जिनको अलग अलग रखा गया था उनका आता है 0.25 इसका मतलब ये है कि वो पूछ रहे हैं नेचर कैसे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है नेचर ऐसे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है कि जैसे हमने एक स्टडी कंडक्ट करी ट्विंस और अडोप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर तो ट्विंस में हमने देखा कि अगर जैसे नेचर क्या हो गया कि आपके हेरिडिटरी फीचर्स जो हैं वो सेम हैं अब अगर आपके हेरिडिटरी फ़ीचर्स सेम हैं और आपको साथ में रखा जाता है तो आपका हमको इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर्ड अगर हम आपको अलग अलग रख दें तो ठीक है जिन बच्चों को जिन भाई बहनों को साथ में रखा उनका इंटेलिजेंस ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो अलग अलग रह रहे हैं तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल दे दी क्योंकि उन्होंने बोला एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल ठीक है और बाकी ये चीज ऐसे डिफर करती है क्योंकि आपके जो जेनेटिक होता है जो जीनोम हमने पढ़ा हुआ है ना क्लास इलेवंथ में भी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे अंदर जो जेनेटिक्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के ही होते हैं तो जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसा ही इंटेलिजेंस लेवल हमारे अंदर भी होगा तो इस तरीके से नेचर जो है वो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है नेक्स्ट डज इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस क्या इन्वायमेंट इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को बिल्कुल करता है क्योंकि देखो अगर हम इन्वायमेंट की बात करें तो स्टडीज जो हमने कंडक्ट करी हैं वो ये बताती हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ या उनके जैसा होता जाता है देखो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कोई इन्वामेंट है क्या वो आपके इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर सकता है तो जैसे मान लो बाय नेचर आपका इंटेलिजेंस जो था वो 0.90 था लेकिन आपको कोई पुअर इन्वामेंट मिल जाता है और आपको इस अपने इंटेलिजेंस को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली आपका इंटेलिजेंस डिक्लाइन कर जाएगा वहीं अगर आपको एन्वायमेंट जो है वो बड़ा ही रिच मिल जाता है जहाँ पर आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आपका इंटेलिजेंस ग्रो कर सकता है जैसे इसमें हमने एक स्टडी कंडक्ट करी आ, उन बच्चों पे जो डिसएडवांटेज होम्स से आते हैं तो जैसे मान लो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसको अगर आप Uh, मतलब अडॉप्ट कर दो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में तो उसका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा लेकिन अगर वो एक बहुत इंटेलिजेंट इन्वायरमेंट से आ रहा था और आप उसको पूरे इन्वायरमेंट में रख दो तो शायद वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो इन्वायमेंटल डेप्रीवेशन की वजह से इंटेलिजेंस कम होने लग जाता है और रिच न्यूट्रिशन गुड फैमिली बैकग्राउंड क्वालिटी स्कूलिंग ये इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है तो इन्वायरमेंट जो है वो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता ही करता है दैट्स ट्रू लिख पाओगे कोई दिक्कत तो नहीं है कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में Now यू हैव केस स्टडी टू दैट इज बेस्ड ऑन age ऑफ रीजन एंड enlightenment. सो so, जो केस uh, बोल रहा है वो ये है कि सेवनटीन और एटींथ सेंचुरी में एज ऑफ रीजन और एनलाइटनमेंट होता है इस टाइम पर क्या होता है फेथ और डॉगमा इन सभी के थ्रू एबनॉर्मल बिहेवियर को समझा जाता था इस मेथड को रिप्लेस कर दिया साइंटिफिक एटीट्यूड आ गया चीज़ों को लेकर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी हम साइंस के अकॉर्डिंग समझने लग गए एटीनथ सेंचुरी में बहुत सारी रिफॉर्म मूवमेंट होती हैं ताकि जो लोग किसी तरह के डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं हम उनको एक कंपेशन प्रोवाइड कर सकें तो असाइलम में भी रिफॉर्म्स इनिशिएट किए जाते हैं यूरोप और अमेरिका दोनों में ही क्लियर पैराग्राफ आए समझ में ठीक है अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो व्हाट इज मीन बाय डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आपको बताना है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है देखो असाइलम में रिफॉर्म हो इस चीज के लिए इनिशिएट किया यूरोप अमेरिका दोनों ने ही रिफॉर्म मूवमेंट का ही एक आस्पेक्ट था न्यू इंक्लाइनेशन फॉर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन विच प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर फॉर रिकवर्ड मेंटली इल इंडिविजुअल्स देखो असाइलम में तो रिफ़ॉर्म्स हो रहे थे ये एक आस्पेक्ट था दूसरी तरफ जो एक और आस्पेक्ट था रिफॉर्म मूवमेंट का वो था कि अब हम डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ जा रहे थे अब हम ये चाहते थे कि जो लोग आ, किसी तरह के मेंटल मेंटली इल इंडिविजुअल्स हैं उनको जो भी रिकवरी के बाद केयर मिल रही है वो कम्युनिटी केयर मिले ठीक है और उनको इंस्टीट्यूशंस में ही रख के जो है वो सारी चीजें ना की जाए ऐसा ना हो तो उसके लिए हम जो है ये कंसेप्ट यूज करते हैं दैट इज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन इंटरेक्शनल अप्रोच इंटरेक्शनल अप्रोच का मतलब देखो क्या होता है इन रिसेंट ईयर्स देर हैज बीन अ कन्वर्जेंस ऑफ दीज अप्रोचेज विच हैज रिजल्ट इंट्रैक्शनल और बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच फ्राम दिस परस्पेक्टिव ऑल थ्री फैक्टर्स बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन इन्फ्लुसिंग द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखो क्या हो रहा है कि ये जो सभी अप्रोचेज हैं रिसेंट ईयर्स में देर हैज़ बीन अ कन्वर्जेंस ऑफ दीज अप्रोचेज जिससे एक इंट्रैक्शनल और बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच निकल के आया है इसके अंदर हमारे बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सप्रेशन और आउटकम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का तो उसको इंट्रैक्शनल अप्रोच बोलते हैं जहाँ इन तीनों चीज़ों के बीच में एक इंट्रैक्शन हो रहा है क्लियर कोई डाउट है यहाँ तक आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस को आपको आंसर किस तरह से करना है ठीक है पैटर्न क्या होगा एग्जाम का आपके आंसर्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए और जितना भी मैंने यहाँ पर बोलकर आपको बताया आई होप सो दैट ऑल इज़ क्लियर टू यू उसमें कोई डाउट नहीं होगा सो दैट इज ऑल अबाउट योर पेपर नंबर फोर इतने ही क्वेश्चंस हैं और इन्हें ही आपको आंसर करना है तो अपने लेवल पे जो है क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए देखिए और क्या क्या जो है आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग करिए तो आपको समझ में आएंगे आपकी मिस्टेक्स भी और आपकी स्ट्रेंथ्स भी आई होप सो दैट इज ऑल क्लियर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर और भी सैंपल पेपर्स को हम करेंगे आंसर या सॉल्व तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहो कोई भी चीज है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेझिझक जो है मुझसे पूछ सकते हो इसके अलावा चैप्टर्स को रीड करो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके जाओ कि आप मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो जैसे कि आप सभी जानते हो डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट बेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रस की ऐप है आप उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेंस की वेबसाइट है दैट इज डब्लू डब्लू डॉट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम आप जैसे ही ये एंटर करते हो गूगल पे आपके सामने सभी क्लासेस सभी कोर्सेस सारे क्लासेस कोर्सेस के लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स हाई क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट टीचर्स क्वालिटी कंटेंट और सारे टॉप कोर्सेज मिलेंगे आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स आपको स्टडी करना है उस पर आप क्लिक करना उससे रिलेटेड सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज आ जाएंगे आप जैसे जैसे नाउ पर क्लिक करते जाओगे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्लिक ऑन नाउ सारे चैप्टर्स आ जाएंगे चैप्टर पे क्लिक करोगे तो फिर सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे जो क्लास जो चैप्टर जो सब्जेक्ट जो टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट और सारे क्लासेस सारे कोर्सेज आपके सामने होंगे जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक करते ही इजीली आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो और वो भी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बिना किसी दिक्कत परेशानी के आपको ढूंढने की भी जो है बिल्कुल झंझट खत्म है यहाँ पे साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर भी एक्सेस कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं और इतना ही नहीं मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं जो कि किंडर गार्टन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक के लिए रहेंगी इन बुक्स की कुछ कैटेगरीज हैं जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बुक्स एम सी क्यू बुक्स थ्योरी बुक्स पी वाई क्यूज एंड मैनी मोर तो जो भी बुक्स आपको चाहिए हैं आप वो कैटेगरी के, के अकॉर्डिंग ले सकते हैं दीज आर हाई इन कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट तो अगर आपको भी बुक्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा उसको फिल कर दो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी अगेन दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस सो इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पर हम और भी सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तब तक के लिए ध्यान रखो